में होकर हो सन्ना हो सन्ना सभी आराधना यहोवा शालोम यहोवा शालोम यहोवा शालोम यहोवा निसी यहोवा निसी हालेलुया हालेलुया सभी तालियां हम सभी अपने बाइबल को निकालेंगे और आज के लिए हम भजन संहिता 23 को पढ़ेंगे. Today is the 23rd. आज 23वां तारीख है. And before we could worship God. और इससे पहले कि हम परमेश्वर की आराधना करें. Today is the 4th Friday of the fasting prayer. आज हमारे चौथे शुक्रवार की उपवास प्रार्थना है. Before we go for the special prayer and intercession, इससे पहले कि हम विशेष निवेदन विनती और प्रार्थना में आगे जाएं, we need to prepare our heart in the time of praise and worship. हमें स्तुति और आराधना के समय में अपने मनों को तैयार करना है. Before we could prepare our heart, और इससे पहले कि हम अपने मन को तैयार करें, let us read this psalm. इस भजन संहिता को हम पढ़ेंगे. Yes, let us read in English, in Hindi. आइए समय भजन संहिता 23 को हम हिंदी में पढ़ते हैं. Yes. यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी. वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है. वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है. Amen. वह मेरे जी में जी ले आता है. धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है. Amen. चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है. Amen. तेरे सोठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है. तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है. तूने मेरे सिर पर तेल मला है. मेरा कटोरा उमड़ रहा है. निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी. आमेन. और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा. आमेन. 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 Before we could go into the prophetical prayer, इससे पहले कि हम सब भविष्यवक्ताई प्रार्थना में आगे बढ़ें, and let us pray for our vision of the church and the school of prophets, और हमारे कलीसिया के दर्शन के लिए भविष्यवक्ताओं के विद्यालय के लिए, इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, we need to have a prophetical prayer. एक भविष्यवक्ताई प्रार्थना हमें करने की आवश्यकता है. Led by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में. Filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा परमेश्वर से परिपूर्ण होकर. And inspired by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा परमेश्वर की प्रेरणा में. You know, prayer must be offered along with powerful worship. आप जानते हैं जो प्रार्थना है वो हमें सामर्थी आराधना के साथ करनी है. Unless we worship a prophetical way, जब तक एक भविष्यवक्ताई तरीके से हम आराधना नहीं करेंगे, you cannot enter into the prophetical prayer. आप भविष्यवक्ताई प्रार्थना में प्रवेश नहीं कर पाएंगे. What does mean prophetical prayer? भविष्यवक्ताई प्रार्थना का अर्थ क्या होता है? Fully confirmed, inspired by the Holy Spirit God. पूरी तरीके से पवित्र आत्मा के नियंत्रण में और पवित्र आत्मा के निश्चय में होकर हमें प्रार्थना करनी है.
before we could enter into that kind of prophetical prayer, इससे पहले कि हम उस प्रकार के भविष्यवक्ताई प्रार्थना में प्रवेश करें, we need a prophetical worship. हमें भविष्यवक्ताई आराधना की आवश्यकता है. Today is the 23rd. आज 23वीं तारीख है. Psalm 23. भजन संहिता 23. Let us read from verse 5. उसमें वचन 5 को हम पढ़ते हैं. तू मेरे सताने वालों के सामने Amen. मेरे लिए मेज बिछाता है. Yes. तूने मेरे सिर पर तेल मला है. Yes. मेरा कटोरा उमड़ रहा है. The whole psalm stand on one prophetical word. और इस संपूर्ण वचन भजन संहिता एक भविष्यवाणी के शब्द पर आधारित है. कप ऑफ ओवर Flowing. मेरा कटोरा उमड़ रहा है. As we are in this month of seventh month, as we are meditating about the latter rain. जैसे सातवें महीने में हम सब हैं और सातवें महीने में हम पिछली वर्षा पर मनन कर रहे हैं. What is mean latter rain? तो पिछली वर्षा का अर्थ क्या होता है? According to Joel prophet, what he said in the last day, I will pour my spirit and it will become a latter rain, which mean Overflowing. और योएल भविष्यवक्ता कहते हैं अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा और वो आत्मा एक पिछली वर्षा के रूप में बदल जाएगी, जिसका मतलब है वो उमड़ने लगेगी. Are you listening? क्या आप सब सुन रहे हैं? It's very very important that our cup, our life must be a over Flowing life. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारा जो जीवन है वो एक उमड़ता हुआ जीवन होना चाहिए. It must be a channel of blessing to thousands and thousands, which is the worship. और ये जीवन हजारों और हजारों के लिए आशीष का कारण बनना चाहिए, इसे ही आराधना कहते हैं. What is today worship message? आज की हमारी आराधना का संदेश क्या है? Cup of overflowing. उमड़ने वाला कटोरा. That's very important. यही बहुत ही महत्वपूर्ण बात है. Are you following? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? Are you really happy to see that my life must be overflow? क्या ये बात जानकर सच में आप बहुत आनंदित हैं कि मेरा जो जीवन है वो उमड़ना चाहिए? Nowadays in the TV channel, in the newspaper, you can see because of the heavy rain, everywhere overflowing. इन दिनों में आप टीवी चैनल में, खबरों में, अखबारों में देख सकते हैं भारी बारिश की वजह से हर जगह जो है भारी बरसात की वजह से सब कुछ उमड़ रहा है. But this will be only July and August. लेकिन ये सिर्फ जुलाई और अगस्त महीने तक ही रहेगा. Again our land will be dry. उसके बाद फिर से हमारी जो भूमि है वो सूख जाएगी. Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? This overflowing will be seen in the month of 7th and 8th. और ये जो उमड़ना है, पानी का उमड़ना, ये सातवें और आठवें महीने में ही दिखाई देगा. But after that, लेकिन उसके बाद, the land will dry. और वो जमीन जो है वो सूख जाएगी. The same way many Christian life. वैसे कई मसीहों का जीवन होता है. When something they get, they are overflowing. जब उन्हें कुछ मिल जाता है तो वे उमड़ने लगते हैं. That is not the real life. लेकिन वो वास्तविक जीवन नहीं. The real life 365 days. वास्तविक जीवन 365 दिन. To be overflowing like anything. हमें बहुत आयत से उमड़ते रहना है. That is the worship. वही है आराधना. Hallelujah. Hallelujah. Where the life of worship is there. जहाँ पर आराधना का जीवन होता है. How many are listening? आप में से कितने लोग सुन रहे हैं? Can you see your hands? क्या मैं आपके हाथों को देख सकता हूँ? Hallelujah. Hallelujah. What is mean by worship? आराधना करने का अर्थ क्या होता है? Worship. Today, according to today's Psalm 23rd, worship is the overflowing. और आज के भजन संहिता 23 के अनुसार आराधना का मतलब है उमड़ना. A man who worship God, एक व्यक्ति जो परमेश्वर की आराधना करता है, he will be always overflowing. वो हमेशा उमड़ता रहेगा. He will not be the same condition. और वो उसी परिस्थिति में नहीं रहेगा. In every circumstance, he will be overflowing. हर परिस्थिति, हर हालात में वो उमड़ता रहेगा. He will be crossing all the problems. वो सारी समस्याओं को पार करेगा. He will be crossing all the testing, temptation. And he will be carrying a overflow, which is the life of latter rain. और सारी परीक्षा, सारे क्लेश, सारे सताव को वो पार करते रहेगा, जिसे कहते हैं एक उमड़ने वाला जीवन. The life of overflowing is the worship. उमड़ने वाला जीवन ही आराधना है. Shall we read the verse 5? वचन 5 फिर से पढ़ते हैं. Yes. तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है. Yes. तूने मेरे सिर पर तेल मला है. मेरा कटोरा उमड़ रहा है. Is it right this wonderful fourth fasting prayer day?
can be able to look whether you are overflowing with a problem, or you are overflowing with a tension, or you are overflowing with so many things. और इस अद्भुत चौथे शुक्रवार की उपास प्रार्थना में क्या आप परीक्षाओं के साथ उमड़ रहे, क्या आप समस्याओं के साथ उमड़ रहे, क्या आप बहुत सारी तकलीफों के साथ उमड़ रहे या फिर और भी अन्य बातों के साथ उमड़ रहे हैं? You know, most of the Indians, they always say from their mouth, too much. और अधिकतर हिंदुस्तानी अपने मुंह से हमेशा बोलते हैं बहुत हो गया. Too much salt. बहुत ज्यादा नमक हो गया. Too much मसाला. बहुत ज्यादा मसाला हो गया. Too much sweet. बहुत मीठा हो गया. Everything too much. सब कुछ बहुत हो गया. Problem भी too much. समस्या भी बहुत हो गई. That is not the life of worship. लेकिन वो आराधना का जीवन नहीं है. Only you have to overflow with God. आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के साथ उमड़ना है. परमेश्वर के साथ नहीं, परमेश्वर में उमड़ना है. आपको परमेश्वर में उमड़ना है. That is a worship. वही आराधना है. Worship life is always overflowing. आराधना का जीवन हमेशा उमड़ने वाला जीवन. There are 21 overflowing in Psalm 23. और भजन संहिता 20 में जो है 21 बहाव, 21 उमड़ने वाला जीवन है. Let me give you 3 overflowing. मुझे 3 बहने वाला या उमड़ने वाला जीवन आपको देने दीजिएगा. नंबर 1. सबसे पहला verse 1. वचन 1 पढ़ते हैं. यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी. What is the first overflowing of the latter rain? और जो पिछली वर्षा है इसका पहला बहाव या पहला उमड़ने वाला जीवन क्या है? The Lord is my shepherd. यहोवा मेरा चरवाहा है. That is the overflowing. यही एक उमड़ने वाला जीवन है. God must be a shepherd in your life. परमेश्वर आपके जीवन में चरवाहा होना चाहिए. What does mean that? उसका मतलब क्या है? Have you seen any shepherd? क्या आपने किसी चरवाहा को कभी देखा है? How many of you have seen shepherd? आप में से कितने लोगों ने चरवाहा को देखा है? He will be overflowing always. वो हमेशा उमड़ते रहता है. Which way is he overflowing? किस तरीके से वो उमड़ता है? He always overflowing with the sheep. वो अपनी भेड़ बकरियों के साथ उमड़ते रहता है. He's alone. और वो खुद अकेला रहता है. He's a single person. और वो अकेला व्यक्ति है. But how many sheep? लेकिन कितनी भेड़ बकरियां हैं? सारा बोलो बेटा, चरवाहा एक है पर शिप कितना है? भेड़ बकरियां कितनी हैं? सारा माइक अनम्यूट करके बोलो. बहुत सारे हैं पापा, अनेक बहुत सारे हैं पापा. किचन एक है, वेसल कितना है? बहुत सारे. आदमी कितना है घर में? एक है. कपड़ा कितना है? बहुत सारे. आत्मीय के चप्पल बहुत सारे हैं. सी लिसन, बहुत ध्यान से सुनिएगा. व्हाट इज मीन दैट? इसका अर्थ क्या होता है? शेपर्ड इज वन. कि चरवाहा तो एक ही है. शीप आर मोर. लेकिन भेड़ें बहुत सी हैं. दैट इज द फर्स्ट सीक्रेट. ये है पहला रहस्य. द लॉर्ड इज माय शेपर्ड. यहोवा मेरा चरवाहा है. दैट इज द मीनिंग ऑफ ओवरफ्लोइंग. यही जो है उमड़ने का अर्थ है. God must be a shepherd in your life. परमेश्वर आपके जीवन में चरवाहा होना चाहिए. Once he became a shepherd of your life. एक बार जब वो आपके जीवन का चरवाहा बन जाता है. Don't make Jesus as a religious guru. यीशु मसीह को आप धर्म गुरु मत बनाइए. Don't make Jesus as something else. यीशु मसीह को आप और कुछ मत बनाइए. Shepherd. उसे अपना चरवाहा बनाइए. Later I will tell you 3 overflowing when you make Jesus shepherd. और आगे मैं आपको बताऊंगा जब आप यीशु को अपना चरवाहा बना लेते तो उसमें भी 3 बहाव है, 3 उमड़ता हुआ जीवन. Many people never make Jesus to be shepherd. कई लोग परमेश्वर को अपना चरवाहा बनाते ही नहीं है. Being as a shepherd in your life, which is the overflow. अपने जीवन में यीशु को चरवाहा बनाना ही एक उमड़ता हुआ जीवन है. 3 secret. उसमें 3 रहस्य है. Shepherd में चरवाहा का अर्थ होता है 3 secret. 3 रहस्य है. Let us read verse 2 and 3. पढ़ेंगे 2 और 3. वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है. वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है. वह मेरे जी में जी ले आता है. धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है. 3 overflowing of a shepherd. और एक चरवाहा का 3 उमड़ता हुआ जीवन. There are 21 overflowing, but I will give you 3 overflowing. वैसे तो 21 उमड़ता हुआ जीवन है पर मैं आपको 3 दूंगा. First is पहला जो है shepherd. एक चरवाहा.
mean, उसका अर्थ है इस अनलिमिटेड वन, वो असीमित है. नंबर वन, पहली बात, शेपर्ड मीन चरवाहा का अर्थ है. He always lead into the green. वो हमेशा जो है हरी हरी घास में अगुवाई करता है, हरे भरे जीवन में अगुवाई करता है. If you make a shepherd, यदि आप किसी चरवाहा से मिले, If you make shepherd Jesus Christ as shepherd, और यदि आप यीशु मसीह को अपना चरवाहा बनाएं, That is a worship. तो वो आराधना है. When you make Jesus shepherd, जब आप यीशु को अपना चरवाहा बनाते हैं, Three overflow. वहाँ तीन उमड़ता हुआ जीवन है. Number one, पहली बात, green, to lead in green. हरे भरे जीवन में आपकी अगुवाई करता है. And to drink the water. और फिर आपको वो जल पिलाता है. Number three, तीसरी बात, he always comfort your soul. हमेशा आपके प्राण को बहाल करता है, उसे आराम देता है, आपकी जी में जी ले आता है. Leading, आपकी अगुवाई करता है. And drinking, और आपको जल पिलाता है. And he will be Conduct, he will be comforting. और आपकी जी में जी ले आता है, आपको एक आराम देता है. Yes, shepherd has a three overflow. और एक चरवाहा के पास तीन बहाव है. Which means, जिसका अर्थ है, a green life. एक हरा भरा जीवन है. A watering life. और एक पानी पिलाने वाला जीवन है. A leading life. और एक अगुवाई करने वाला जीवन है. Nothing will lack. और उसमें कोई कमी, कोई घटी नहीं होगी. Nothing will lack. उसमें कोई भी घटी नहीं होगी. Let me prophesy. मुझे भविष्यवाणी करने दीजिएगा. Christian life is not lacking life. मसीह जीवन कमी घटी का जीवन नहीं है. It's a full of overflow. Amen. परंतु वो पूरी रीति से एक उमड़ने वाला जीवन है. Because, क्योंकि Jesus Christ is a shepherd. यीशु मसीह हमारा चरवाहा है. You need to make Jesus as a shepherd. आपको यीशु मसीह को अपना चरवाहा बनाना है. Which means, जिसका अर्थ है, Always a green life. हमेशा एक हरे भरे जीवन में रहना. Shepherd will be staying in the green field. चरवाहा हमेशा हरे भरे मैदान में रहेगा. Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण. What is this green? और ये हरा भरा क्या है? What is this water? ये जल पिलाना क्या है? What is the comfort? ये कौन सी बात है कि वो जी में जी ले आता है? The verse 3 says. वचन तीन कहता है. Shall we read it? पढ़ेंगे. वह मेरे जी में जी ले आता है और धर्म के मार्गों में मेरी अगुवाई करता है. Green and water and comfort. हरा भरा और जल और एक चैन या फिर जी में जी लाने वाला. First of all, green means. सबसे पहले हरे भरे का अर्थ है. Full of provision. उपाय प्रबंध से भरा हुआ है. Your life will be full of provision everywhere a green. आपका जीवन हरा भरा होगा, आपका जीवन उपाय और प्रबंधों से भरा हुआ. Your whole life will be seen green. आपका पूरा जीवन हरा भरा नजर आएगा. Not to be dry life. सूखा सूखा जीवन नहीं दिखेगा. Monday to Sunday always a green because you made Jesus Christ as shepherd. सोमवार से रविवार तक हमेशा हरा भरा ही रहेगा क्योंकि आपने यीशु मसीह को अपना चरवाहा बनाया है. What is mean green? और हरे भरे होने का अर्थ क्या है? Full of provision. उपाय और प्रबंध से आप भरे हुए रहेंगे. Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण. Provision comes from God when you make Jesus as shepherd. और उपाय प्रबंध यीशु की ओर से ही आता है जब आप यीशु को अपना चरवाहा बनाते हैं. That is a worship. वही है आराधना. A man of worship will look always green. एक आराधना करने वाला व्यक्ति हमेशा हरा भरा ही नजर आएगा. When you look many people, जब कई लोगों को आप देखते हैं, lack of provision, तो वहाँ पर उनके जीवन में उपाय और प्रबंध की कमी होती है. You know, always they are in the तनाव. वे हमेशा तनाव में रहते हैं. In the time of worship, they are not able to open the mouth. आराधना के समय वे अपना मुंह नहीं खोल पाते. मुंह खोल कर दिल भर कर धन्यवाद करते ही नहीं है. Because they have the lack. क्योंकि वे कमी घटी में है. कमी कट्टी में रहने वाला कभी परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाएगा. जो हरा भरा दिखता है उनका मुंह खोलकर अच्छा परमेश्वर की आराधना करे क्योंकि सारी उपलब्धि परमेश्वर ने उनको करवा दिया. हालेलुया. That is overflowing. वही है एक उमड़ता हुआ जीवन. Number one, provision. पहली बात, एक उपाय या प्रबंध करने वाला. Number two, दूसरी बात, the Bible says, बाइबल कहती है, He will lead us into the what water? और वो हमें सुखदाई जल. वॉटर वेर यू कैन हैव ये क्लीन वॉटर. और एक सुखदाई, एक शुद्ध जल, साफ जल. What is that? वो क्या है? First is a green provision. पहला है एक हरा भरा जो प्रबंध है. Number two. दूसरा, a clean water, that's a life. और एक साफ जल एक जीवन को दर्शाता है. That is a sanctification. वो है शुद्धता का जीवन.
provision through Jesus. और उपाय और प्रबंध यीशु मसीह के द्वारा होंगे. And the sanctification through the Holy Spirit. और शुद्धता पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा. Green always connected with Jesus. हरा water is connected with the Holy Spirit. हरा भरा जीवन यीशु से जुड़ा है, शुद्ध जीवन पवित्र आत्मा से जुड़ा है. That is we are singing a song. इसलिए हम एक गीत गाते हैं. What song? Yes, Salvi. हम गाएंगे उस गीत को. ऑनलाइन. शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे. आमीन. प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे. आमीन. शुद्ध जल तू छिड़क दे, शुद्ध जल मन को मेरे बदल दे. प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे. आत्मा से भर दे. See, that is a life of sanctification where when you make Jesus your shepherd. देखिए यहाँ, वहां पर शुद्धता का जीवन होता है जहां आप यीशु मसीह को अपना जल बना लेते हैं. That is a purification. वो एक शुद्धता को दर्शाता है. Many people have the provision, कई लोगों के पास उपाय और प्रबंध तो होता but है no purification. लेकिन शुद्धता नहीं होती है. Provision is the overflowing. और जो प्रबंध है वो एक उमड़ता हुआ जीवन है. Purification also overflowing. और शुद्धता भी उमड़ता हुआ जीवन है. The Lord is a shepherd. क्योंकि परमेश्वर हमारा चरवाहा है. Is it right? क्या ये बात सही है? You have the provision. क्या आपके पास वो उपाय और प्रबंध है? How much he will provide? और वो आपके लिए कितना उपाय कितना प्रबंध करेगा? Have you seen a shepherd how much he give the grass? क्या आपने देखा एक चरवाहा कितना घास खिलाता है? ए बच्चो बोलो, कितना घास खिलाता है अपने पेड़ों को, पेट भर के. आप देख रहे ना, पूरा पेट, सारे पेड़ों का, बकरियों का पेट इतना बड़ा हो जाती है. वो कड़े रहता है खाने तक, खा कर उसके पीछे पीछे जाएगा और हरी हरी हराई में लेकर जितना खाना है उतना खा लो. आर यू लिसनिंग? क्या आप सुन रहे हैं? कभी कभी आपके घर में मेनू का बहुत लिमिटेशन करता है. दो इडली खा लो, दो रोटी खाने गए, सिर्फ एक कटोरी सब्जी है. He is not a shepherd, he is a army man. वो चरवाहा नहीं, वो सेना का व्यक्ति है. See, you have to allow that your life will be a overflowing. देखिए, आपको अपने जीवन को उमड़ते हुआ जीवन बनने देना है. When you give anything, जब भी आप जो कुछ भी देते हैं, shepherd, एक चरवाहा, he treat the sheep to eat the grass. Fully. और वो हमेशा अपने भेड़ बकरियों को अच्छे से घास खिलाता है, पेट भर कर घास खिलाता है. Let me prophesy now. मुझे ये भविष्यवाणी इस वक्त करने दीजिएगा. Your job provision always lack. और आपकी नौकरी से होने वाले प्रबंध में हमेशा कमी घटी होती है. Are you listening? क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? I'm going to tell you a great prophecy. मैं आपके लिए बड़ी भविष्यवाणी करने जा रहा हूं. मत्ता का सकीना ताला, the provision which come your own efforts will be lack always. जो प्रबंध आपकी मेहनत से आता है उसमें हमेशा कमी घटी होगी. When God provides. लेकिन जब परमेश्वर प्रबंध करता है, it's a overflow. वो उमड़ता है. Hallelujah. Hallelujah. जब तुम अपनी मेहनत से कमाओगे, 12 घंटा पसीना गिर कर कमाओगे, 20 साल लगेगा एक छोटा सा घर बनने के लिए. डैडी इज गोइंग टू बिल्ड इंटरनेशनल प्रॉपर्टी विद इन 6 मंथ. और पापा अंतरराष्ट्रीय भविष्यवक्ताई केंद्र को 6 महीने के अंदर बनाने वाले. I'm going to tell that testament the whole world. पूरी दुनिया को मैं ये गवाही देने वाला हूँ. जहाँ एक विश्वासी इतना मेहनत करके 20 साल भी हो गया, एक छोटा सा घर नहीं बना सकता, क्योंकि वो हमेशा अपनी मेहनत के ऊपर ही भरोसा रखता है, खुदा के ऊपर नहीं है. When God give you provision, it will be overflowing. जब परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा तो वो उमड़ता हुआ होगा. Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है. Number two. दूसरी बात. Purification. शुद्धता. Number three. तीसरी बात. The Bible says, बाइबल कहती है, वचन 3 हम पढ़ेंगे. He will lead you in the comfortable way. लिखा है कि वो आपके अगुवाई करेगा, एक अच्छे और एक आराम के मार्ग में वो आपकी अगुवाई करेगा. Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण बात है. That is called perfection. उसे कहते हैं सिद्धता.
3P secret. 3P रहस्य है. What is the first P? पहला P क्या है? First P. पहला P. Provision. उपाय या प्रबंध. The second P. दूसरा P है. Purification. शुद्धता. Third P. तीसरा P है. Perfection. सिद्धता. He will be always in the right track. वो हमेशा सही मार्गों पर होगा. सभी बोलिएगा सही मार्गों पर रहने वाला जीवन ही ओवरफ्लो. सही मार्गों पर रहने वाला जीवन ही उमड़ने वाला जीवन है. Many people are in the wrong track. कई लोग गलत मार्ग पर है. 90% at a wrong track. 90% लोग गलत मार्ग में है. See the verse 3. और वचन 3 को देखिए. हाँ. लिखा है वह मेरे जी में जी ले आता है. और धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है. Oh my God, अगुवाई. Yes, shepherd take the sheep in the right track. एक चरवाहा जो है एक सही मार्ग में भेड़ों की अगुवाई करता है. He never allow even any enemy to come inside. और वो किसी भी शत्रु को उनके बीच में आने नहीं देता है. They never bother about where we are going. और भेड़ कभी चिंता नहीं करती कि हम किधर जा रहे हैं. Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? But lifelong you are confused. लेकिन आप जीवन भर दुविधा में रहते हैं. माँ बाप अपने बच्चों के बारे में इतना चिंता करते, मेरा बच्चा गलत तो नहीं, मेरा बच्चा गलत तो नहीं. Always they're worrying about the children. हमेशा वे अपने बच्चों की चिंता करते रहते. Why? क्यों? They never made Jesus as a shepherd in the life. क्योंकि उन्होंने यीशु को अपने जीवन में चरवाहा नहीं बनाया है. Very very important. बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये. I never worry about my daughter. और मैं अपनी बेटी कभी चिंता नहीं करता हूँ. I know that. मुझे मालूम है. God will take care the right track. कि परमेश्वर सही मार्गों में उसकी अगुवाई करेगा. That is overflowing. वही एक उमड़ता हुआ जीवन. Many parents are full of fear. कई माता पिता डर से भरे हुए होते हैं. Full of blood pressure. और ब्लड प्रेशर होता है उन्हें. Full of worries. चिंताएं होती है. Even 1 hour late they are confused. और यदि एक घंटा भी देरी हो गई तो वे गड़बड़ी में आ जाते, दुविधा में पड़ जाते. They never trust God. और वे परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखते. Even I am ready to send Victoria to the England. I don't worry about that. और मैं इस बात की भी चिंता नहीं करता हूँ. Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Even many parents they are इतना डरे हैं कि कहीं भेजते भी नहीं है. बोलते मसीह भेजते नहीं कहीं. उनको इतना डरे हैं कि गलत में चले जाएंगे. Overflowing the third secret. उमड़ना जो है तीसरा रहस्य उसका हम देख रहे हैं. Perfection. सिद्ध होना है. Perfection. सिद्ध होना है. You need to be perfect, which mean going in the true track. और सिद्ध होना है जिसका अर्थ है आपको सही मार्ग पर चलना. Salvation number 3. वचन 3 पढ़ेंगे. वह मेरे जी में जी ले आता है. जी लेता है. और धर्म के मार्गों में. कौन से मार्गों में? धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है. मेरी अगुवाई. एक चरवाहा अपने भेड़ों को सही मार्गों में ही लेकर जाएगा. दैट इज द थर्ड ओवरफ्लोइंग ऑफ द शेपर्ड. वही चरवाहा का तीसरा उमड़ता हुआ जीवन है. Is it right? क्या ये बात सही है? Your children are not in your hands. आपके बच्चे आपके हाथों में नहीं. रक्का सक्का नदा. Your husband is not in your hand. और आपके पति आपके हाथों में नहीं है. मुट्ठी में बांध मत रखो. That is not a overflow. वो उमड़ता हुआ जीवन नहीं है. जितना तेरा परिवार तेरे हाथ में रहेगा कभी ओवरफ्लो नहीं होगा. जब परमेश्वर के हाथ में छोड़ेंगे तभी तेरे जिंदगी ओवरफ्लो होगा. हालेलुया. कई लोग बोलते हैं मैं अपने पति को मुट्ठी में रखा हूं, मैं अपने बच्चों को मुट्ठी में रखा हूं. मुट्ठी में रखता है तो मुझे श्वास निकल जाएगा. ए बच्चों मैं मुट्ठी में रखा हूं. कौन से मुट्ठी में रखोगे? किसको? कितना कितनी लोगों को कितनी बार मुट्ठी में रखोगे? बोलो खुदा बन गया क्या तुम? सी व्हेन यू मेक The Lord is your shepherd. जब आप परमेश्वर को यहोवा को अपना चरवाहा बना लेते हैं, then only you will be overflowing. तभी आप जो है उमड़ते रहेंगे. Are you following? क्या आप समझ रहे हैं? Worship means आराधना का अर्थ होता है overflowing. उमड़ना. It's not singing some song. ये कुछ गीतों को गाना नहीं है. It's not some attending the worship. और ये आराधना में भाग लेना नहीं है. You need to
worship such a way that your life must be overflow. Amen. लेकिन इस तरीके से आपको परमेश्वर की आराधना करनी है कि आपका जीवन उमड़ता रहे. What is mean that? उसका अर्थ क्या है? What is the first overflowing? पहला उमड़ते हुए जीवन का अर्थ क्या है? The Lord is my shepherd. यहोवा मेरा चरवाहा है. Hallelujah. Hallelujah. Once you come to this conclusion that Lord is my shepherd. एक बार जब इस निष्कर्ष पे आप पहुंच जाते कि यहोवा ही मेरा चरवाहा है. Three overflowing. वहाँ तीन उमड़ता हुआ जीवन है. Full of provision. वहाँ उपाय और प्रबंध से भरा हुआ जीवन है. किचन में सब कुछ रहेगा, बाथरूम में भी सब कुछ रहेगा, साबुन रहेगा, पेस्ट रहेगा, ब्रश रहेगा, डेली नया ब्रश रहेगा. Amen. Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Otherwise, एक साल के लिए एक ब्रश को कंजूस करके खरीद कर रखोगे. अगर if Jesus provide you, यदि यीशु आपके लिए प्रबंध करेगा, let me prophesy, तो मुझे भविष्यवाणी करनी है. Every day new brush. हर दिन एक नया ब्रश होगा. जब उसका करुणा प्रदीप नया होता है, क्या ब्रश नहीं होगा? Every day new breakfast. हर दिन नया नाश्ता होगा. यहां तक बोलूंगा एवरी डे एवरीथिंग विल बी न्यू. हर दिन सब कुछ नया होगा. यू नो हैव यू सीन द सिनी एक्टर्स? क्या आपने सिनेमा अभिनेताओं को देखा है? एक बार कपड़ा पहने के बाद दोबारा नहीं पहनते हैं. अगर शैतान ऐसा कर सकता है ओवरफ्लोइंग, एक बार पहने के बाद दोबारा पहनते नहीं कोई भी कपड़ा. उन दिनों में राजा लोग एक बार पहनेंगे दोबारा नहीं पहनते. Daddy is going to do like that only. और पापा ऐसा ही करने वाले हैं. In the international provision. अंतर्राष्ट्रीय भविष्यवक्ता केंद्र में. 30 days, 30 shoot. और 30 दिन 30 shoot. Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Daddy is going to overflow like anything. और पापा बहुत आय से उमड़ने वाले हैं. Everybody going to surprise. हर व्यक्ति अचंभित होगा. Let me prophesy. मुझे ये भविष्यवाणी करनी. मक्का सगिनिदी अतु नमा सिगे. Every day one shoot. हर दिन एक shoot. धीरे धीरे आई विल शिफ्ट टू मॉर्निंग वन सूट, आफ्टरनून वन सूट, इवनिंग वन सूट. फिर धीरे धीरे सुबह एक सूट, दोपहर एक सूट और शाम को एक सूट. ओवरफ्लोइंग उमड़ना है. प्रोविजन ऑफ गॉड, परमेश्वर का उपाय, परमेश्वर का प्रबंध. नंबर टू, दूसरी बात, प्यूरिफिकेशन ऑफ गॉड, परमेश्वर की शुद्धता. नंबर थ्री, तीसरी बात, परफेक्शन, परमेश्वर की सिद्धता. नथिंग विल हैपन, कुछ भी नहीं होगा. इवन आई विल हैव 84 सर्विसेज, और 84 आराधनाओं को मैं आयोजित. एवरी डे 12 सर्विस, और हर दिन 12 आराधना. होल वीक 84 सर्विस, पूरा सप्ताह 84 आराधना होगी. थाउजेंड मिलियंस ऑफ पीपल विल बी कमिंग, हजारों और लाखों लोग वहां पर. बट लेट मी प्रपोज, मुझे भविष्यवाणी, नथिंग विल हैपन, कुछ भी नहीं होगा. Nothing will happen. कुछ भी नहीं होगा. Because I made the Lord is my shepherd. मैंने यहोवा को अपना चरवाहा बनाया है. That is overflowing. वही एक उमड़ता हुआ जीवन. Number two. दूसरी बात. What is mean overflowing? उमड़ते हुए जीवन का अर्थ क्या है? What is the worship message? आज की आराधना का संदेश क्या है? Worship message is worship is overflowing. आज की आराधना का संदेश एक उमड़ता हुआ जीवन. Overflowing. उमड़ता हुआ जीवन. What is mean first overflowing? पहला उमड़ता हुआ जीवन का अर्थ क्या है? The Lord is my shepherd. यहोवा मेरा चरवाहा. Number two. दूसरा. Verse four. वचन चार पढ़ेंगे. चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है. नंबर टू, दूसरी बात, ओवरफ्लोइंग मी, उमड़ने का अर्थ है द लॉर्ड इज विद मी, परमेश्वर मेरे साथ है. नंबर वन, पहली बात, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, परमेश्वर मेरा चरवाहा है. दैट्स जीसस, वो है यीशु मसीह. नंबर टू, दूसरी बात, द लॉर्ड इज विद मी, दैट्स इमानुएल, परमेश्वर मेरे साथ, इसका मतलब है इमानुएल. वेरी important, बहुत ही महत्वपूर्ण. I will refer this Psalm 23, Matthew 1 chapter verse 21 to 23. और मैं भजन संहिता 23 को लेकर मती उसका पहला अध्याय और 21-22-23 के साथ जोड़ूंगा. Three secret in the included in the Psalm 23. और वो तीन रहस्य भजन संहिता 23 में शामिल है. Oh my God, Matthew 21 Jesus. और मती 21 यीशु. Shepherd. और चरवाहा. Number two. दूसरी बात. The same Jesus, वही यीशु, is the Emmanuel, वो इमानुएल भी, the Lord is with me, और परमेश्वर मेरे साथ है. Very important, बहुत ही महत्वपूर्ण है. Overflowing life means, एक उमड़ते हुए जीवन का अर्थ होता है, you will come to the conclusion that Lord is with me. आप इस निष्कर्ष में पहुंचेंगे कि परमेश्वर मेरे साथ है. Very very important, बहुत ही महत्वपूर्ण है. Not only that Lord is shepherd, ना केवल यहोवा आपका चरवाहा है. When he became a shepherd, you will lack nothing. जब आपका वो चरवाहा बन जाएगा तो आपको किसी बात की घटी नहीं होगी. Provision,
प्रबंध होगा, प्यूरिफिकेशन शुद्धता होगी, एंड परफेक्शन और सिद्धता होगी। नाउ द लॉर्ड इज विथ मी, अब परमेश्वर मेरे साथ है। दिस अनदर लेवल, ये दूसरा स्तर है, ये सेकंड ओवरफ्लोइंग, ये दूसरा उमड़ता हुआ जीवन है। फर्स्ट ओवरफ्लोइंग द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, पहला उमड़ता जीवन यहोवा मेरा चरवाहा है। नाउ द सेकंड ओवरफ्लोइंग, अब दूसरा उमड़ता हुआ जीवन, द लॉर्ड इज विथ मी, यहोवा मेरे साथ है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। व्हेन द लॉर्ड इज विथ मी, जब यहोवा मेरे साथ है, थ्री ओवरफ्लोइंग, तीन उमड़ता हुआ जीवन है। वर्स 4, वचन 4 में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलू, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। ध्यान से सुनिएगा, What is mean the Lord is with me? यहोवा मेरे साथ है, इसका अर्थ क्या है? Number one, पहली बात, No darkness, कोई अंधकार नहीं होगा। Number two, दूसरी बात, No fear, कोई डर नहीं होगा। Number three, तीसरी बात, No harm, कोई नुकसान या कोई हानि नहीं होगी। There are three overflowing, तीन उमड़ता हुआ जीवन है। If the Lord is with me, यदि परमेश्वर मेरे साथ है, three overflowing, तीन उमड़ता हुआ जीवन है। No more darkness, कि अब कोई अंधकार नहीं होगा। Number two, दूसरी बात, No more fear, अब कोई डर नहीं होगा। Number three, तीसरी बात, No more नुकसान, अब कोई हानि मेरी नहीं होगी। Hallelujah, Hallelujah. Are you want to overflow? क्या आप उमड़ना चाहते हैं? How many of you want to overflow? कितने लोग उमड़ना चाहते हैं? Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण। Your life must be overflowing. आपका जीवन उमड़ता हुआ जीवन होना चाहिए। First, पहला उमड़ता shepherd, हुआ चरवाहा है, that Jesus, वो है यीशु मसीह। Number two, दूसरा है Emmanuel. Emmanuel. Hallelujah. Hallelujah. Emmanuel means God is with me. Emmanuel का अर्थ है परमेश्वर मेरे साथ है। When God is with you, जब परमेश्वर आपके साथ, you will be overflowing in the three ways. तीन क्षेत्रों में आप उमड़ते रहेंगे। No darkness, कोई अंधकार नहीं होगा। No fear, कोई डर नहीं होगा। Number three, तीसरी बात। Number three, तीसरी बात। No हानि, कोई हानि नहीं होगी। Only money, सिर्फ मनी होगा, हानि नहीं होगा। No more harm, और कोई नुकसान नहीं होगा। Only warm, सिर्फ वार्म होगा, गरम 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 रहेगा। एवरीथिंग विल बी ओवरफ्लो, सब कुछ उमड़ता रहेगा। आपके जिंदगी कभी हानि नहीं होगा, आपके जिंदगी कोई डर नहीं रहेगा, आपके जीवन में कोई अंधकार नहीं है। बिकॉज़ द लाइट इमानुएल इज विद यू, क्योंकि वो ज्योति, वो इमानुएल आपके साथ है। दैट इज द वर्शिप, वही आराधना है। वर्शिप इज नॉट रिलीजियस, आराधना कोई धार्मिक क्रिया नहीं है। टुडे यू हैव टू, फोर्थ इज फ्राइडे, और आज ये चौथा शुक्रवार है। वी हैव टू प्रे प्रोफेटिकली, हमें भविष्यवक्ताई रूप से प्रार्थना करनी है। बिफोर वी गो द प्रोफेटिकल प्रेयर, इससे पहले कि हम भविष्यवक्ताई प्रार्थना में आगे बढ़े, प्रोफेटिकल वर्शिप, एक भविष्यवक्ताई आराधना हमें करना। टुडे इज द 23rd, आज 23वां तारीख है, साम 23, भजन संहिता 23। व्हाट इज द वर्शिप मैसेज, आज की आराधना का संदेश क्या है? वर्शिप इज द ओवरफ्लो, आराधना का अर्थ है उमड़ना। What does mean overflowing? और उमड़ने का अर्थ क्या है? The Lord is my shepherd, और यहोवा मेरा चरवाहा है। And the Lord is with me, और यहोवा मेरे साथ है। Number three and तीसरी और आखिरी बात, verse 5, वचन 5 पढ़ते हैं, I'm sorry, 6, 6 पढ़ते हैं, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। The Lord is my shepherd, यहोवा मेरा चरवाहा। The Lord is with me, यहोवा मेरे साथ है। Number three, तीसरी बात, The Lord is my house, और यहोवा मेरा घर है, मेरा निवास स्थान है। Amen, Hallelujah, Hallelujah. That is overflowing, ये है उमड़ता हुआ। You have to make not only the Lord is your shepherd, आपको ना केवल यहोवा को अपना चरवाहा बनाना, not only you have to make the Lord is with you, ना केवल यहोवा को अपने साथ रखना है। Number three, तीसरी बात, The Lord must be your house, यहोवा आपका निवास स्थान होना, that is overflowing, वही घुमड़ता हुआ। Your house is not your house, आपका निवास स्थान आपका निवास स्थान नहीं है। मेरे बच्चों, आपका घर आपका घर नहीं है, खुदा ही आपका घर बनना चाहता है, तभी आपका जीवन उमड़ते रहे। हालेलुया, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डोंट मेक एनीथिंग योर हाउस, किसी भी चीज को अपना घर मत बनाइए। लेट मी टेल यू, मुझे आपको ये बताना है, योर हाउस इज नॉट योर हाउस, आपका घर नहीं है, खुदा ही तेरा घर है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जब आप खुदा को अपना घर बनाओगे, ओ माय गॉड, यू विल बी ओवरफ्लोइंग लाइक एनीथिंग, आप बहुत आय से उमड़ते रहेंगे। बहुत सारे लोगों को अपना घर बहुत पसंद है, क्राइस्ट भी अपना घर बन जाएंगे। मैं बताऊं, तेरा घर नहीं है। जब तक तुम अपना घर से बहुत प्यार करोगे, कंगाल ही रहोगे,
Write down this word. इस शब्द को आप लिखकर रखिएगा. The more you love your house, you will be so poor. जितना ज्यादा आप अपने घर से प्यार करेंगे उतनी गरीबी में आप रहेंगे. जिस दिन डैडी ने अपना घर छोड़ दिया ना, आज प्रभु ने धनी बना दिया. अगर मैं अपने घर में रहूंगा गांव में, यू नो इंडिया इज इंडियन कल्चर इट्स अ वेरी पुअर कल्चर. और हिंदुस्तानों की जो संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है, एक गरीबी में रहने वाली संस्कृति, पॉवर्टी कल्चर, गरीबी में रहने वाली. दे लव देयर ओन हाउस लाइक एनीथिंग. और अपने खुद के घर को ज्यादा प्रेम करते हैं. But today I will tell you. लेकिन आज मैं आपसे कहूंगा, if you want to overflow, यदि आप उमड़ना चाहते हैं, खुदा स्वयं आपका घर बनाए. आमेन, आमेन. That's the reason King David says. इसलिए दाऊद राजा कहता what है, he says, verse 6. क्या कहता है वचन 6 में, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी. क्यों? और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा. He loves to make God his house. क्योंकि परमेश्वर को अपना घर, अपना निवास स्थान बनाना उसे बहुत पसंद है. He loves the temple of God. वो परमेश्वर के भवन, उसके मंदिर से प्यार करता है. Is it right? क्या ये बात सही है? Can you able to make God is your house? क्या आप परमेश्वर को अपना घर बना सकते हैं? Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है. In that house say, there are three overflow. उस घर में तीन उमड़ता हुआ जीवन. Number one. पहली बात. Goodness. भलाई है. Number two. दूसरी बात. Grace. और करुणा है. Number three. तीसरी बात. Life. जीवन है. Oh my God, शबाला दीनम पात्र. When you make God is your house. जब आप परमेश्वर को अपना घर बना लेते हैं, everything will be goodness. तो सब कुछ भलाई ही होगा. आपके जिंदगी में भलाई नदी के समान बहती रहेगा, कोई बुराई रहेगा नहीं. Amen. क्योंकि खुदा को तुमने अपना घर बनाया, वो जिंदगी में भलाई नदी के समान बहती रहेंगी, करुणा नदी के समान बहती रहेंगी और जीवन बहती रहेंगी. आमेन. Let me tell you, मुझे आपको ये बताने दीजिएगा, जब खुदा तेरा घर बनता है, एक बीमारी तक नहीं आएगा. आमेन, आमेन. तेरे घर में बहुत बीमारी है, तेरे घर में बहुत झगड़ा लड़ाई, तेरे घर में कोई शांति नहीं है, तेरे घर में सुस्तपन है, तेरे घर में कुछ ही नहीं है. पर खुदा यदि आपका घर बन जाएगा जिसमें भलाई ही भलाई, आमेन, जिसमें अनुग्रह ही अनुग्रह, आमेन, जिसमें जीवन ही जीवन है, जीवन है. Never ever heard truth. कभी ना सुना गया सत्य है ये. Psalm 23. भजन संहिता 23. What is the worship? आराधना क्या है? Worship is overflowing. आराधना है उमड़ना, उमड़ने वाला जीवन. King David was a man of overflowing. दाऊद राजा एक उमड़ने वाला व्यक्ति था. Why? क्यों? He made the Lord his shepherd. उसने यहोवा को अपना चरवाहा बनाया. He made the Lord his with him. उसने यहोवा को अपने साथ रहने वाला बनाया. Number three. तीसरी बात. He made the Lord is his house. उसने यहोवा को अपना घर बनाया. That's the reason he is overflowing. इसलिए वो उमड़ रहा है. सभी क्लोज माइंड. आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे. Ask God. परमेश्वर से हम कहेंगे. Lord, this fourth Friday. प्रभु इस चौथे शुक्रवार में. I want to see how I am overflowing. मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कैसे उमड़ता हूँ. The Lord is my shepherd. ओ यहोवा मेरा चरवाहा है. The Lord is with me. यहोवा मेरे साथ है. The Lord is my house. यहोवा ही मेरा घर है. Shepherd in the soul. चरवाहा प्राण में. The God is with him in the spirit. परमेश्वर उसके साथ है आत्मा में. The Lord is a house in the body. और परमेश्वर उसका घर है उसके शरीर में. Overflowing. उमड़ता हुआ जीवन. Overflowing. उमड़ता हुआ जीवन. Oh, I could see this afternoon. और इस दोपहर में मैं देख सकता हूँ. You have to overflow. आपको उमड़ना है. Shall we all close our eyes. सभी अपनी आंखों को बंद करें. Ask God. परमेश्वर से कहें. Lord, this fourth Friday. प्रभु इस चौथे शुक्रवार. I will overflow in the spirit. मैं आत्मा में उमड़ूंगा. I will overflow in the power. मैं सामर्थ में उमड़ूंगा. That is a latter rain. वही एक पिछली वर्षा. Latter rain. पिछली वर्षा. Overflowing. उमड़ता हुआ. Overflowing. उमड़ता हुआ. When the Lord is your shepherd, जब यहोवा आपका चरवाहा, you will be overflowing in three आप things. तीन तरीकों में उमड़ते रहेंगे, तीन बातों में. Provision, purification and perfection. प्रबंध में, शुद्धता में और सिद्धता. When the Lord is with you, जब यहोवा आपके साथ साथ, you will be flowing, overflowing आप three things. तीन बातों में उमड़ते रहेंगे. No darkness, कोई अंधकार नहीं. No fear, कोई डर नहीं होगा. No harm, कोई हानि नहीं होगी. When you make God is your house, जब आप परमेश्वर को अपना घर बना लेते हैं, three things will be overflowing. तीन चीजें उमड़ती रहेगी. The goodness, भलाइयाँ. The grace, उसकी करुणा. The life, और जीवन. सभी close सभी अपनी आँखों को बंद करेंगे.
ask God. परमेश्वर से कहेंगे. Today I must overflow. आज मुझे उमड़ना है. Because you are the my shepherd. क्योंकि तू ही मेरा चरवाहा है. Shall we all close सब अपनी आँखों को बंद कर. You are going to see the how the Holy Spirit God to flow in your life. आप देखेंगे कैसे पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहने जा रहा है. Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है. Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है. Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है. Everybody close your eyes. हर एक व्यक्ति अपनी आँखों को बंद. A mighty anointing. एक सामर्थ्य अभिषेक. In the fourth Friday of fasting prayer. और उपवास प्रार्थना के इस चौथे शुक्रवार. Before we good pray prophetical prayer. इससे पहले कि हम एक भविष्यवक्ताई प्रार्थना करें. Thank you. Everybody Jesus. Get ready. सभी तैयार हो जाएंगे. Mighty anointing. सामर्थ्य अभिषेक. Fourth Friday. और ये चौथा शुक्रवार. Shakala Dinama. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sabhi taali bajakar aaradhana kare. Thank you, Jesus. Hallelujah. Isse pehle hum bhavishyavakta ki prarthana mein pahunche. Amen. अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है, हालेलुया और उमड़ भी रहा है. सभी तालियां. अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है, हालेलुया और उमड़ भी रहा है. यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हर चराइयों में मुझे हालेलुया और नृत्य करती है. यहोवा चरवाहा कोई गति मुझे नहीं है, हर चराइयों में मुझे हालेलुया स्नेह से चराता वो है. अंदर अधिकार अंदर दीना संबल दीना अपर दीना संबल दीना सभी आत्मा भी भरो. 14 शुक्रवार है. लेटर राइन पिछले वर्ष का शुक्रवार है. आत्मा से परो ताली बजा. सर्वदा प्रभु घर में करुणा निवासों में करुणा बलाए भी उसकी हालेलुया आनंदित मुझे करती है. लखर दीना सर्वदा प्रभु घर में यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हर चराइयों में मुझे हालेलुया चराता वो है. यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हर चराइयों में मुझे हालेलुया चराता वो है. जोरदार थालिया आत्मा में भरो. अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है, हालेलुया और उमड़ भी रहा है. अभिषेक मुझे किया है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया.
हो वचवा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हर चराइयों में मुझे हालेलुया शीश चराना वो है, हो वचवा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हर चराइयों में मुझे हालेलुया शीश चराना वो है, हालेलुया हालेलुया Hallelujah, 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 पशुवक्ता की प्रार्थना को हम जाएंगे आज का भजन संहिता के द्वारा। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे किसी बातों का घटी ना होगी। आई एम पहला निवेदन को हम जाएंगे। हमारा स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स सारे 200 विद्यार्थियों के लिए किसी बातों का घटी ना होने के लिए पचा हुआ 8 दिन के अंदर पवित्र आत्मा की संपूर्णता हमारा स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स में उंडेलने के लिए सुबह का और शाम का सेशन जो बचा हुआ सारे 8 दिन के अंदर जुलाई 31 तारीख तक सारे भविष्यवक्ता के विद्यालय एक सामर्थ्य विद्यालय होने के लिए सामर्थ्य विद्यालय बचा हुआ 8 दिन के अंदर हर व्यक्ति उस महान परमेश्वर का भविष्यवक्ता बनने के लिए साथ साथ आने वाले 8 दिन के अंदर अंतरराष्ट्रीय पशुवाणी केंद्र का निर्माण होने के लिए पंजीकरण निर्माण होने के लिए सारे पशुवक्ता के हर विद्यार्थी इस महान दर्शन को पकड़ने के लिए पूरा करने के लिए हम सब मिलकर हमारे बेटा राणा प्रताप सिंह हमारे लिए पहला निवेदन में हमें अगुवाई करें प्रार्थना में कि प्रभु पचावा 8 दिन के अंदर जुलाई 31 तारीख तक हमारा पशुवक्ता के विद्यालय महान अभिषेक होने के लिए हर विद्यार्थी 200 विद्यार्थियों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि अंतरराष्ट्रीय पशुवाणी केंद्र के लिए एक महान समर्पित होने के लिए और आने वाला जुलाई 31 तारीख के अंदर अंतरराष्ट्रीय पशुवाणी केंद्र का निर्माण कार्य शुरू होने के लिए सारी आवश्यकता अंतरराष्ट्रीय पशुवाणी केंद्र का दर्शन ये 200 विद्यार्थियों के द्वारा प्रभु पूरा करने के लिए सारे 50 करोड़ की जरूरत अद्भुत तरीका से पूरा होते हुए
परमेश्वर अपने महिमा को प्रकट करने के लिए आई एम सम्मिल कर हमारे बेटा राणा प्रताप सिंह के पहला निवेदन के लिए सारे पशुवक्ता के विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए नव एकड़ भूमि जहां अंतरराष्ट्रीय पशुवाणी केंद्र शुरू होने वाला है उसका पंजीकरण उसका बांध काम जल्दी से शुरू होने के लिए परमेश्वर का महान कार्य एक उमड़ता हुआ अभिषेक उमड़ता हुआ कार्य होने के लिए हम सब मिलकर ये पहला निवेदन के लिए हमारे बेटा प्रार्थना में अगुवाई करें। सभी मिलकर प्रार्थना करें हमारे बेटा के साथ धन्यवाद करतो यहोवा परमेश्वर ने धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ ये समय देने के लिए पिता ओ होली स्पिरिट मैं योग्य नहीं हूँ कि इतनी बड़ी प्रार्थना को मैं कर सकूं लेकिन खुदावन तेरे नजर में परमेश्वर जो छोटा है तू उसी को बड़ा कर देता है ओ परमेश्वर तू हमारा राजा है परमेश्वर निगेवानी करता है परमेश्वर मैं तेरे वचन को इससे पहले बोलूं इससे पहले मैं वायदा करूं इससे पहले मैं कुछ मांगू मुझे एक वचन मेरे मन में आया कि परमेश्वर ने हम सभी को जो परफेक्ट क्लास में जुड़ते हैं जो परफेक्ट बनने के लिए आए हैं वो अपनी मर्जी से नहीं आए थे लेकिन यह एक पाठ के अनुसार परमेश्वर ने हमें अपने माँ के गर्भ ही से चुन लिया परमेश्वर के लिए भविष्यवाणी करे परमेश्वर का मुंह बन जाए और हम कहीं दुनिया के कोने में भटक गए थे प्रभु लेकिन इन्होंने अपनी अपनी प्रार्थना के द्वारा तुझसे ये प्रार्थना मांगी कि हमें परमेश्वर की सेवकाई बड़े स्तर पर करनी है yes, और आपने इनके द्वारा हमें चुन लिया और परमेश्वर जिस तरह परमेश्वर मूसा ने परमेश्वर एक बड़ी सेना को लेकर गया परमेश्वर इतिहास तक बसे हुए हैं परमेश्वर विश्वास करता हूँ कि पापा भी वो बड़ी सेना को परमेश्वर बढ़ा चाह रहे हैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर तेरी नजर में जो हमारी योजना है वो हानि नहीं वरन लाभ ही के लिए है कहीं शिक्षक भटक गए थे लेकिन तूने कहा है कि तू मेरी भेड़ है तू मेरी भेड़ है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मैंने तुझे खरीदा है अपने लहू के मोल से परमेश्वर माता हमारे पिता को तूने से ठहराया था लेकिन उनके द्वारा पिता तूने दुनिया में से लाया थे कि हम हम तेरा शुक्रगुजार करते हैं हम थैंक यू कहते पिताजी धन्यवाद ये कम पड़ जाएगा पिता क्योंकि हम उस योजना में है जो भारत वर्ष को बदलने वाला है और खाता वर्ष खराब है ये देश आज के जमाने का मिस्र है और इस मिस्र को हम लोग गुलामी से आजाद करेंगे हालेलुया विश्वास करता हूँ कि मूसा के समान आपने पापों को ठहराया है और हमें कहीं ना कहीं पिता आपने उस योजना में जोड़ के हर एक राज्य में हर एक कोने कोने स्तर से पिता आप हमें पहुंचाएंगे और वहां पर ध्वंस लोगों को आजाद करेंगे जैसा कि यशायाह नबी किताब में लिखा है कि तुमको तुम्हारे ऊपर मेरी आत्मा ठहरी है आने वाले सत्र में जो दिन बचे हुए हैं हमें बड़ी योजना का करें yes, Lord, yes, मैं विश्वास yes. करता हूँ कि आपने yes. हमारे नाम को अपने हाथों में लिखा है पिता yes. अमीन थैंक यू लॉर्ड यस धन्यवाद धन्यवाद हम इस योग्य नहीं थे तुम तेरे पास पा सके आमीन लेकिन तेरी बड़ी दया के द्वारा हम तेरे पास yes. आए हैं आमीन हम प्रार्थना करते प्रभु जी yes. कि बीते दिनों में हमने बहुत आशीष पाई बीता सुबह शाम yes. हम नहीं जानते थे कि हम कितने गलत शिक्षा में थे हम कितने पाप में थे yes.
लेकिन तूने अपने दास पर महान दास के द्वारा हमें Amen. बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई जिसका भेद हम yes. नहीं जानते थे. Amen. हम चर्च जाते थे, चर्च चलाते थे, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा परमेश्वर कि हम क्या कर रहे हैं. Amen. प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं बीते yes. दिनों जो आपने हमें बरकत से मालामाल कर दिया पिता yes. आने वाले दिनों में भी आप हमें बरकत से मालामाल धन्यवाद कर रहे हैं कि आप yes. पापा को बहुत बरकत दे रहे हैं पिताजी yes. और परमेश्वर आप बहन विक्टोरिया भाई जोशुआ पे बहुत आशीष दिए पिता. आमीन. मैं इनके द्वारा बहुत आशीषित हुआ पिता और हम सब ब्लेस्ड हुए हैं बिकॉज आपने इनको ठहराया था प्रभु जी. यस ओ पिता आपका धन्यवाद करते पिता. इसने हमें पहचान करे कि हम yes. हैं कौन. आमीन. हमें कोई नहीं बोला था कि तुम हो कौन. हमें लोग लेकिन खुदावा तूने कहा कि मेरे महान दास तुमको तुम्हारी परिचय करवाएंगे. आमीन. ओ लॉर्ड हालेलुया रिखा तरफ सुन दो परमेश्वर. मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे मांगने से ज्यादा हमारे मांगने से ज्यादा खुदावा हमें दे दिया है. यस आमीन. मैं विश्वास करता हूँ कि ये 9 acres का जमीन लेकिन 9 होगा. आमीन. 9,000 होगा. यस भारतवर्ष और दुनिया हमारे पापा जी के साथ सेवकाई करेंगे. ओ लखा बाथू राबा सकी. आई बिलीव इट. ओ संत राबा का सुंदर राबा बाथू लखा रे. तू विश्वास करेंगे तो खुदा की शक्ति नदीन में संगल नदी राबा लबोर दी लबा शबा लबोर दी लबा खा रदीन में संगल नदी अंदर दी खा बा शक्ति यस नाम से. आमीन. प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ कोई शैतान हमारा बाल बहका नहीं कर पाएगा. आमीन आमीन आमीन. हारा हुआ है लेकिन हमारा यीशु मर के भी जी उठा है. वो उसने जीवित ही हुआ. आमीन आमीन. ओ पिता हम तेरे स्वरूप में दिन प्रतिदिन बदल रहे पिता. आमीन आमीन. ओ पिता हमारी हमारी पहचान यीशु में हो जा रही है. अब लोग हमको देख के ये नहीं कहेंगे एकदम पास्टर पर कहेंगे तुम यीशु का स्वरूप हो. आमीन. तुम बेटी यीशु के जैसे दिखती हो. आमीन आमीन. अब हम दौलत और शोहरत के पीछे नहीं लेकिन हम यीशु मसीह के पीछे भागेंगे क्योंकि यीशु ही हमारे लिए दौलत ठहरा है और उसने हमें ऐसी दौलत दी है जिसका नाम है जीवन का पुस्तक में हमारा नाम दर्ज. यस लॉर्ड. आमीन. मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले समय में पिता Yes. एक अंतरराष्ट्रीय जो हमारे प्रोफेटिकल स्कूल है सब बहुत yes, बड़ी मिनिस्ट्री देने वाले हैं. यस लॉर्ड यीशु के नाम से देने वाले Yes. आपको बहुत ऊंचा उठाने वाले हैं. Yes, मैं विश्वास कर रहा हूँ बहन विक्टोरिया. मैं विश्वास करता हूँ कि आपके जीवन में परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा yes. उठाने वाला है. Yes, आप देखोगे कि परमेश्वर आपको किस तरह से दुनिया Amen. में आप yes. इस्तेमाल कर रहा है. आप एक दिन भी फुर्सत में नहीं रहोगे. जितने भी लोग इस वक्त सुन रहे हैं लोगों के जीवन में परमेश्वर बहुत आशीष देने जा रहा है. आमीन. मैं बात करता हूँ ना कि अपने घर में लेकिन मोहल्ले बदलेंगे. आमीन. शहर बदल जाएंगे. आमीन. क्योंकि जब यूसुफ गया मिस्र में उसने मिस्रियों को बदल डाला. यस लॉर्ड. आमीन. मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे देश के मुख्यमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री MLA yes. जो भी है सब हमारे पास आएंगे और हमसे सलाह मशवरा लेंगे. आमीन आमीन. खाबा तू कला दी नमा चंदा ला दी खाबा कि हमारे सेवकाई में किसी की भी रुकावट नहीं आएगी. आमीन. क्योंकि यीशु मसीह वो पत्थर बना है जिसको सब छूर कर रख देगा. आमीन. ओ रिखा रबा तो सुन दो खाना बटे. हम यीशु मसीह किसी मनुष्य का चेहरा देख के ना डरने पाए. आमीन. हमारा है और यहोवा का कसम करता है. आमीन. यहोवा का संग्राम है. यहोवा ही संग्राम लड़ेगा. तेरे आगे आगे यहोवा चलेगा. यस लॉर्ड. हमारे आगे आगे आप चलेंगे. मैं धन्यवाद करता हूँ. मैं विश्वास करता हूँ आज भजन 33 से जो हमने सीखा है वो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं था लेकिन यीशु मसीह का ग्रेस था. आमीन. वो ग्रेस पाने के लिए धन्यवाद करते पिता जी. धन्यवाद पिता. धन्यवाद करते. मैं विश्वास करता हूँ आने वाले समय में ये भजन 23 हम अपने राज्य में अपने शहर में अपने दुनिया में ये yes. बात को बताकर उन्हें ब्लेसेड करेंगे क्योंकि yes. परमेश्वर हमारा निगेबानी करने वाला परमेश्वर है. वो परमेश्वर हम लोग हजारों को बल्कि लाखों को तेरे नाम का स्वाद चखाएंगे और कहेंगे का स्वाद कितना भला है. आमीन. यस. और रिखा रबत है. मैं धन्यवाद करता हूँ सारे भाइयों बहनों के लिए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए पेमेंट नहीं किया है उनको तो भारी है ताकि पेमेंट दे सके yes. और yes, आपका राज्य बढ़ सके क्योंकि लिखा है कि हर सुख देने वाले से प्रसन्न होता है परमेश्वर. आमीन. ओ परमेश्वर आप दीजिए आशीषित करें हमें पापा को इतना दान देने के लिए दीजिए पिता कि हम पापा को पापा मांगे उससे ज्यादा हम पापा को दे सके. आमीन. ये मेरी दुआ है.
ये मेरी इच्छा है yes. परमेश्वर राज्य बोना Amen. बहुत कम लोगों के लिए होता है yes. ओ पिता, Amen. मैं उस बोने वाले के लिस्ट में शामिल होना चाहता हूँ ताकि Amen. मेरे आने वाले खानदान पिता इस बात को जान सके कि मेरे पिता और मेरे दादा yes. ने इस बात को किया था क्योंकि यहोवा का घर Amen. होना yes. आशीष का कारण है Yes, Lord. लखाबास शक्कर Amen. पापा को उनके घराने को तेरे लहू में कवर करता हूँ Amen. और हमारे में से सारे भाई बहनों को तेरा अनुग्रह करता हूँ मुझे मिला कर Amen. हमें तेरी yes. योजना में शामिल करने का तक फिर से Amen. मेरे yes. संग पापा के संग भाई जोशुआ yes. के संग उनके तीन बहन के Amen. संग हमारे भाई बहनों के संग आप रहना और मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले समय yes. में आप बहुत Amen. बड़ा ग्रेस हम पर देने वाले हैं Amen. We are the ruler. We can rule this nation. Amen. I believe it. In the name of mighty Jesus. Yes. मैंने मांग लिया है और आपने Amen. दे दिया है. दे दिया. जकरिया डर मत क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली है. ताली बजा के उस महान प्रभु को धन्यवाद करें कि हमारा बेटा का प्रार्थना को प्रभु सुनकर अंतर्राष्ट्रीय पशुवाणी केंद्र के द्वारा परमेश्वर अंतिम दिनों का अभिषेक कुंडलने के लिए सारे विद्यार्थियों को प्रभु बच्चावा दिनों में अभिषेक करने के लिए अब सबको प्रभु आशीष करने के लिए प्रभु अंतर्राष्ट्रीय भविष्यवाणी केंद्र का निर्माण और उसका बांध काम को प्रभु अभिषेक करे जल्दी से जल्दी प्रभु अपने दर्शन को पूरा करने के ताली बजाकर इस प्रार्थना प्रभु सुना हम धन्यवाद करें ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें हमारे बेटा का प्रार्थना को प्रभु सुना है हालेलुया धन्यवाद 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 सोत्रम 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 सभी तालियां ओ जीसस सुखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलती देखो एक बड़ी सेना अधिकार की वाणी पवित्रात्मा में नबुवत करूं सुखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलती देखूं अधिकार की वाणी तू दे पवित्रात्मा में नबुवत करूं अग्नि समान उतरा अग्नि जीत के समान गिर जा जो तूफान सुखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलती देखूं अधिकार की वाणी तू दे पवित्र आत्मा में नबुवत करूं सुखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलती देखूं अधिकार की वाणी तू दे पवित्र आत्मा में नबुवत करूं सुखी हड्डियों की तराई आने वाले रविवार की आराधना एक पौष वक्ता की आराधना होने के लिए तीनों आराधना के लिए इस वक्त हम प्रार्थना करें कि रविवार के दिन सुबह 5 से 7 10 से 1 शाम को 7 से 9 बजे तक के इन दिनों में रविवार की आराधना रविवार की आराधना ना हो परंतु एक पौष वक्ता की आराधना होने के लिए
देश की चारों तरफ से परमेश्वर अपने लोगों को ऑनलाइन में जुड़ने के लिए जो भी प्रभु ने योजना बनाया ऑनलाइन की आराधना, ऑनलाइन की आराधना में सारे नए नए बड़े बड़े और पुराने नए लोग जुड़ने के लिए इस वक्त हमारे बेटी जोशना गोडबुले के द्वारा हम दूसरा निवेदन के लिए हम प्रार्थना करें कि आने वाले रविवार की आराधना सिर्फ रविवार की आराधना ना हो, एक पश्च वक्ता की आराधना जिसमें हजारों लोग जुड़ने के लिए, कई परिवार जुड़ने के लिए, सुबह 5 से 7, 10 से 1 और शाम को 7 से 9, ये तीनों आराधन के हम सब मिलकर ये दूसरा निवेदन को हम जाएंगे। हमारे बेटे जोशना गोडबुले हमारे लिए विशेष प्रार्थना करें कि प्रभु अधिकताई से ये महीने की आखिरी रविवार है, ये पांचवा चौथा या पांचवा आराधन को प्रभु अभिषेक करने के, आने वाला रविवार की आराधन को प्रभु अभिषेक करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक तीनों आराधन में इस महीने सातवें महीने की आखिरी रविवार की आराधना एक अभिषेक आराधना होने के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। नए नए लोग जुड़ने के लिए, बिल्कुल नए नए लोग जुड़ने के लिए, पूरा देश भर से एक बड़ा सेना जुड़ने के लिए सुबह 5 से 7, 10 से 1 और शाम को 7 से 9 तीनों आराधना के आराधना के संदेश के लिए, पश्चवक्ता के संदेश के लिए और विशेष रूप से पवित्र आत्मा के महान अभिषेक के लिए चंगा चमत्कार छुटकारा होने के लिए आई एम सब मिलकर ये दूसरा निवेदन के लिए हमारे बेटे जोशना गोडबुले के द्वारा, हमारे बेटा रवि के गोडबुले के द्वारा प्रार्थना में जाएंगे सिर्फ रविवार की आराधना पश्चवक्ता की आराधना होने के लिए, तीनों आराधना महान अभिषेक होने के लिए, पूरा देश भर से लोगों को प्रभु जुड़ाने के लिए एक बेदारी शुरू होने के लिए हम सब मिलकर हमारे बेटा रवि कोडबले के द्वारा हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद। महान सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु के नाम से राजा आपके चरणों में आते हैं, सभी मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए, परमता परमेश्वर आपका अनुग्रह है प्रभु जी, आपकी दया है परमता परमेश्वर, कि इस समय में प्रभु जी इस दोपहर की बेला में परमता परमेश्वर हम लोग सब लोग ऑनलाइन के माध्यम से परमता परमेश्वर फिर एक बार इस शुक्रवार की प्रभु जी ओ हालेलुया उपवास की प्रार्थना में हम सब लोग एकत्रित हुए मेरे राजा, हमें सभी प्रार्थना करें। ओ हालेलुया। धन्यवाद देते परमता परमेश्वर, क्योंकि आप धन्यवाद योग्य, स्तुति के महिमा के योग्य परमेश्वर है मेरे राजा। जो कुछ प्रभु जी हमारे पास है प्रभु जी, ओ जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हमारे जीवन में प्रभु जी आपका दिया हुआ है, और हम आपको प्रभु जी हालेलुया कोटि कोटि धन्यवाद देते परमता परमेश्वर। ओ रिबा शला बो दिना रखा बा अदाना रबीला बाराबा अथाना बोरी खबलावा। ओ धन्यवाद धन्यवाद हो राजा, इस समय राजा आपके चरणों में आते हैं मेरे पिता। हम प्रार्थना परमेश्वर विशेष तौर पर प्रभुता परमेश्वर आने वाले रविवार के लिए प्रभु जी, ओ आने वाले विश्राम दिन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभुता परमेश्वर। हालेलुया। रखा बातूरा खलदीन सभी प्रार्थना करें, कोई चुप ना रहे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभुता परमेश्वर, परमेश्वर दया कीजिए प्रभुता परमेश्वर, कलीसिया प्रभुता परमेश्वर और सभी लोग प्रभुता परमेश्वर आपके भवन में पूजी प्रत्येक रूप से पूजी आके पूजी प्रभुता परमेश्वर। इस रविवार की विश्राम दिन के लिए प्रभुता परमेश्वर, इस विश्राम दिन की आराधना के लिए पूजी प्रार्थना करते प्रभुता परमेश्वर, विशेष तौर प्रभु जी सुबह होने वाली 5 से 7 की आराधना के लिए प्रभुता परमेश्वर, और 10 से 1 को होने वाली आराधना के लिए, और शाम की प्रभु जी 7 से 9 वाली आराधना के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभुता परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु जी तीनों आराधना प्रभुता परमेश्वर, तीनों आराधना सारी आराधना होने पाए प्रभुता परमेश्वर, आराधना होने सामर्थ्य आराधना हजारों लोग जुड़ने पाए तीनों आराधना में, आराधना के द्वारा प्रभुता परमेश्वर। ओ हालेलुया। शबाला बुरुदी अंदर अभी काल अभी आमीन। यस लॉर्ड। और इबा शलाबो दिन ना रखा लबा काल दिन नमः परमेश्वर, विश्व आमीन। आपके दास के लिए प्रभु जी, हमारे आत्मा के लिए प्रभुता परमेश्वर, थैंक यू जीसस। शलाबो दिन ना रखा लबा रखा बस आप बोलिए और बातचीत कीजिए प्रभु जी, आमीन जीसस। बच्चा प्रभु जी ओ इस विश्राम दिन के दिन होने वाला है प्रभुता परमेश्वर, ओ इबा शलाबो दिन ना रखा लबा ये बच्चा प्रभु जी हमारे लिए प्रभुता परमेश्वर, एक भारी अभिषेक का, एक भारी आशीष का प्रभुता परमेश्वर, बच्चा आमीन जीसस, एक ऐसी शिक्षा
ऐसा शिक्षा हमें शबालबूर दीनमा पात्तन खर दीनमा रखाबाश अमें लखाबा तूला खल दीनमी संदल दी नहीं नहीं प्रकाश अमें हालेलुया तंगल दीनमा शबालबूर दीने धन्यवाद 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 अमें जीसस लखाबा तूरी असकाल दीनमी निपने आकाल दीनमी सकी अमें Yes, Lord. Lakhaba tula kaladinimi. Zindala. Amen. Yes, Lord. Yes. Amen. Amen. Rakhaba shamaladinimi. Zukuladinimi. Amen. वो हमारे पापा के प्रभु जी संपूर्ण परिवार को आपके हाथों में सौंप दो प्रभु परमेश्वर उनके चारों ओर मेरे पिता आपके पवित्र रखाबा शकल दीन में रखाबा पूरा आमीन लगा हुआ है प्रभु जी हर एक रक्षक राजा आपके हाथों में आमीन आमीन जी रविवार के प्रभु तीनों तीनों आराधना में प्रभु परमेश्वर जो वर्षित हो रहा है प्रभु परमेश्वर हमारे आमीन हर एक वर्षी पर प्रभु जी आपके हाथों में सौंप दो आमीन थैंक यू लॉर्ड जीसस जब हम वर्षित करें प्रभु परमेश्वर और यस लखाबा तूला यकालबा शंदला दीने में रबाबा दूलाबा खाला दीने में सकने सामर्थ्य आराधना आमीन हालेलुया यस आमीन जीसस आमीन यस लॉर्ड आमीन जीसस यस लॉर्ड थैंक यू लखाबा शंदला दीने में रबाबा खाल दीन में सिंगी तीनों आराधना सभाओं को पूजा के हाथों में सौंपता प्रभुता परमेश्वर आमीन जीसस प्रभु जी हालेलुया आमीन सभाओं से प्रभु जी ओ हालेलुया देश के कोने कोने से लोग छुड़ने पाए आमीन हालेलुया देश की कोने कोने से लोग छुड़ने पाए आमीन सारे परिवार यस लॉर्ड हालेलुया परमेश्वर इस आमीन जीसस से जुड़ने पाए प्रभुता परमेश्वर जुड़ने पाए प्रभु लखाबा शंदला दीनम आरती प्रभु जी वो भी सभा से जुड़ने पाए प्रभुता जुड़ने पाए हालेलुया लखाबा तूला खल दीनम सकल दीनम रबाबा बदुलबा खल दीनम सकल दीनम रखाबा तूला खल दीनम सकल दीनम पातल कर दी लखाबा तूला खल दीनम रखाबा शकल दीनी आमीन जीसस आमीन जीसस हालेलुया आमीन थैंक यू लखाबा तूना खाला यस यस आमीन थैंक यू आमीन जीसस आमीन आमीन जीसस आमीन आमीन यस विशेष तौर पे प्रार्थना करता हूं प्रभुता परमेश्वर हालेलुया इंटरनेट की सेवा के लिए प्रभुता परमेश्वर यस लॉर्ड इंटरनेट सेवकाई का अभिषेक है आमीन थैंक यू लॉर्ड आमीन चलने पाए प्रभुता परमेश्वर यस लॉर्ड स्टूडियो में प्रभु जी हालेलुया आमीन इंटरनेट की सेवा यूज होती है प्रभु जी ओ हालेलुया चलने पाए किसी भी प्रकार की बाधा ना थैंक यू जीसस आमीन लोग छुड़ते हैं प्रभु जी उनकी भी इंटरनेट सेवा मेरे पिता सुचारू रूप से चलने पाए प्रभु आमीन जीसस ओ रिबा शलाबा लखाबा तूला का आमीन जीसस आमीन थैंक यू लॉर्ड लखाबा लखाला दीन में शंदल दी आमीन थैंक यू जीसस लखाबा तूला खल दी आमीन जीसस आमीन हालेलुया आमीन और उत्तर देने के लिए धन्यवाद देते हैं धन्यवाद इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए आमीन 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 हालेलुया हम सभी ताली बजाकर उस महान प्रभु को धन्यवाद करें हमारे बेटा का प्रार्थना को प्रभु सुना आने वाला रविवार की आराधना तीनों आराधना ऑनलाइन की आराधना में प्रभु पूरा देश भर से लोग जुड़ने के लिए सुबह 5 से 7
10 से 1 शाम को 7 से तीनों आराधना एक अभिषेक आराधना होने के लिए जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु जी हमारे बेटा की प्रार्थना सुना, आपने तीनों आराधना अभिषेक करने के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। रबा लबूरो दी लबा लबूरो दी लबा शंदर अधिकार रबा पतूरा का सकिया करे नाचते हुए नाचते हुए और गाते हुए झूम झूम कर नाचते हुए नाचते हुए और गाते हुए मेरे यीशु से मिलने चला 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 मैं तो प्रभु के घर को 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 चला जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले बाहर के हजार वर्ष से भी उत्तम बाहर के हजार वर्ष से भी उत्तम तेरी संगति में एक दिन 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 संगति में यीशु की मैं चला 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 मैं तो प्रभु के घर को चला हाँ मैं प्रभु के घर को चला मैं तो प्रभु के घर को चला मैं तो प्रभु के घर को चला हालेलुया 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 प्रभु यीशु मसीह की व्हाट ए ग्रेट जॉय टू सी वंस अगेन द फोर्थ फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर फिर से एक और बार इस चौथे शुक्रवार की उपवास प्रार्थना में आप सभी को देखना हमारे लिए बड़े आनंद की बात है ओनली वी हैव फ्यू मिनट्स हमारे पास कुछ ही मिनट है लेट अस गो टू द आवर स्मॉल प्रोफेटिकल मैसेज आइए जल्दी से हमारे छोटे से भविष्यवक्ताई संदेश में हम जाएंगे बिकॉज इवनिंग आल्सो वी हैव टू अटेंड क्योंकि शाम की सभा में हमें भाग लेना है सो लेट अस क्विकली गो टू द दिस मंथ प्रॉमिस Joel chapter 2 verse 24 जल्दी से निकालेंगे योएल उसका दूसरा अध्याय उसका 24वां वचन तब खलियान अन्न से भर जाएंगे yes. और रसकुंड नए दाखमधु और ताजी तेल से उमड़ेंगे The second sign of the latter rain पिछली वर्षा का दूसरा चिन्ह What is this month promise? इस महीने की प्रतिज्ञा क्या है Month of latter rain. ये महीना पिछली वर्षा का महीना है Month of latter rain. ये महीना पिछली वर्षा का महीना है Very very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है When the heavy rain comes. जब भारी वर्षा होती है Three sign take place. तो उसके तीन चिन्ह होते हैं Number one. पहली बात
ए लाइफ ऑफ फिल्ड, एक भरा हुआ जीवन. एंड नंबर टू, दूसरी बात, ए लाइफ ऑफ ओवरफ्लोइंग, एक उमड़ने वाला जीवन. एंड नंबर थ्री, तीसरा, ए लाइफ ऑफ रिटर्निंग, सब कुछ वापस लौटने वाला जीवन. दीस आर द थ्री साइन व्हेन द लेटर रेन कम्स. और ये तीन चिन्ह होते हैं जब पिछली वर्षा होती है. Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Latter rain means पिछली वर्षा का अर्थ है a great revival. एक बड़ी बेदारी. How many are listening? आप में से कितने लोग सुन रहे हैं? Seventh month is the month of latter rain. Already you have seen the latter rain in the Mumbai. और सातवां महीना जो है पिछली वर्षा का महीना है और वो भारी पिछली वर्षा आप मुंबई शहर में देख चुके हैं. Literally you have seen. सच में अपनी आंखों से देखा है आपने. But the same way. लेकिन वैसे ही This month we are seeing spiritually in the school of prophets. और इस महीने में आत्मिक रूप से भविष्यवक्ताओं के विद्यालय में हम देख रहे हैं. Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Morning and evening, 200 prophets, 200 students, how they are enjoying in the heavy rain. और सुबह और शाम 200 विद्यार्थी भारी वर्षा में आनंद उठा रहे हैं. You have seen the city of Mumbai. आपने मुंबई शहर को देखा है. That is called Latter rain. उसे कहते हैं पिछली वर्षा. Heavy rain when it comes. भारी वर्षा जब होती है. Listen. बहुत ध्यान से सुनिएगा. Three sign take place. तीन चिन्ह होते हैं. All the place will be filled. सब स्थान भर जाएंगे. Then number two it's overflow. और फिर वो उमड़ने लगेंगे. Number three. तीसरी बात. Next Friday I will close with the third secret of returning. और अगले शुक्रवार को वापस लौटने वाले रहस्य बताकर मैं समाप्त करूंगा. But this Friday, लेकिन इस शुक्रवार we are going to see the heavy rain, which mean a heavy revival, which mean it brings the overflowing. हम देखने वाले एक भारी वर्षा, एक भारी बेदारी को जो एक उमड़ते हुए जीवन को ले आती है. A last Friday we have seen that the कल्याण अन्न से भरे. पिछले शुक्रवार को हमने देखा था कि कल्याण अन्न से भर जाएंगे. But now, लेकिन अब रस कुंड उमड़ेंगे. What is this रस कुंड? ये रस कुंड क्या है? There are 21 secret about the रस्कुंड. रस्कुंड के बारे में 21 रहस्य हैं. Which means, जिसका अर्थ है revival means overflowing. बेदारी का अर्थ है उमड़ना. Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? How you can identify that you are a revival? आप कैसे पहचानेंगे कि आप बेदारी में हैं? How you can recognize the heavy rain has come? आप कैसे पहचानेंगे कि भारी वर्षा हो रही है? When the heavy rain means the latter rain means the heavy outpouring of the Holy Spirit comes to your life. और भारी वर्षा या भारी रूप से पवित्र आत्मा परमेश्वर का उंडेला जाना जब वो आपके जीवन में होता है तो उसका अर्थ ये है Not only you will be filled, कि ना केवल आप भर जाएंगे you will be overflowing, परंतु आप उमड़ने भी लगेंगे. For a small sign, छोटा सा विज्ञान. When the marriage party comes, जब शादी के मेहमान आते हैं या शादी की पार्टी आती है. Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? You are all gone to the marriage party. आप सभी शादियों में गए हैं. Marriage party itself joy. और शादी की पार्टी या शादी का कार्यक्रम मतलब आनंद है. But that joy is enough. Not enough. वो आनंद, शादी की पार्टी का आनंद काफी नहीं होता है. कब शादी का जो पार्टी कब ऐसा लगेगा ये शादी का पार्टी? When they were बांड बजाकर जब नचाएंगे that comes overflowing. और जब वहाँ बैंड बजेगा, जब वहाँ नाचेंगे, तब वहाँ पर सब उमड़ने लगते हैं. Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? All the clothes will fall and और कपड़े यहाँ वहाँ गिरने लगेंगे. सबका पगड़ी नीचे गिरेगा. पगड़ियाँ नीचे गिरने लगेंगी. और घोड़ा भी नाचेगा. घोड़ा नाचेगा. दूल्हा भी नाचेगा. दूल्हा भी नाचेगा. दूल्हा का बहन भी नाचेंगी. बुढ़ी औरत भी नाचेंगे. सबको नाचते ही नचाते. Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? सुषमा बेटी सुन रहे नहीं सुन रहे? What about your marriage? How it was? और सुषमा डेविड आंटी आप बताइएगा आपकी शादी कैसी थी? Anyone dancing? क्या कोई नाचा था आपकी शादी में? सही सही बोलो पापा. Amen. Without dancing, there will be no marriage party. और डांस किए बिना, नाचे बिना कोई शादी का कार्यक्रम नहीं होता है. Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है. Without dancing, there will be no marriage party. और नाचे बिना जो है, डांस किए बिना कोई शादी का कार्यक्रम नहीं होता. होता ही नहीं है. अदरवाइज वो शादी का घर नहीं है, कब्रिस्तान का घर है. Overflowing is a natural. Overflowing is the biblical. Overflowing is the supernatural. और उमड़ना स्वाभाविक है. उमड़ना बाइबल पर आधारित है. उमड़ना अलौकिक है. Now, अब what is the heavy revival it comes
becomes what is being overflowed. और ये भारी बेदारी या भारी रूप से उमड़ने का अर्थ क्या होता है? रस कुंड और तेल उमलेगा. रस कुंड और तेल उमड़ेगा. द बोथ थिंग्स आर वेरी डीप. ये दोनों चीजें बहुत ही गहरी हैं. दैट विल टेक 7 इयर्स. और पापा 7 साल का समय पापा को लगेगा. बट दिस फ्राइडे लेट मी गिव यू विद इन 10 मिनट्स 3 सीक्रेट. लेकिन इस शुक्रवार को 10 मिनट में 3 रहस्य मुझे आपको बताने दीजिए. ओवरफ्लोइंग व्हाट God expect the whole world, every prophet, every pastor, every man and woman of God, those who are coming to His presence, they have to overflow. Otherwise, I can understand your life is not suit for God. और उमड़ने का अर्थ क्या है? परमेश्वर क्या चाहता है कि जितने भी उसके सेवक हैं, जितने भी उसके प्रजा हैं, जितने भी उसकी सेवा करने वाले भविष्यवक्ता हैं, उन्हें उमड़ना है. जब तक आप अपने जीवन में उमड़ेंगे नहीं, इसका मतलब आपका जीवन परमेश्वर के लिए पूरी रीति से तैयार नहीं हुआ. You are not a suit to enter into heaven. और स्वर्ग में जाने के लिए आप योग्य नहीं है. Small science I told छोटा सा विज्ञान मैंने आपको बताया है. In the marriage party, nobody is not overflowing. शादी की पार्टी में यदि कोई उमड़ेगा नहीं, even भोजन भी overflowing. और यहाँ तक कि खाना भी वहाँ उमड़ता है. वहां पर कोई भी आपको कंट्रोल नहीं करेगा. यदि कोई भोजन में प्लेट लेने में कोई कंट्रोल करेगा, you will kick out. और यदि कोई आपको खाने के लिए वहां पर रोक टोक करेगा तो आप उसको बाहर निकाल देंगे. क्या बोलेंगे मन में? एक दिन का रोक टोक मत करो, खाने दो, जितना खाने दो खाने दो, उल्टी भी आने दो, वहां पर कुछ भी करने दो, दवाई भी दे देंगे, परंतु ये मैरिज पार्टी उसको उनको उमड़ने दो. यस, सुनिएगा, ओवरफ्लोइंग उमड़ना इज एवरी डे, हर दिन होता है. That is the great revival. वही एक बड़ी बेदारी. 24 hours we are going to see in the International Property Sunday. You will see 24 hours a great overflowing. अंतर्राष्ट्रीय भविष्यवक्ताई केंद्र में आप 24 घंटे एक बहाव को, एक उमड़ते हुए अभिषेक को. You will see the whole world will be surprised. आप पूरी देखेंगे, पूरी दुनिया चंबित हो जाए. All the churches will be surprised. सारी कलीसियाएं चंबित हो जाएंगी. 24 hours worship. 24 घंटे आराधना. Listen. बहुत ध्यान से सुनिएगा. I'm giving you prophecy. मैं ये भविष्यवाणी आपको दे रहा हूँ. 12 service every day. हर दिन 12 आराधना. First service will start morning 4 to 6. पहली आराधना सुबह 4 से 6 बजे. Already daddy has planned all the timetable. और पहले से पापा ने सारा timetable तैयार करके रखा. This timetable will be pasted in the big board in the railway station. और ये timetable जो है रेलवे स्टेशन पे एक बड़े बोर्ड पर लगाया जाएगा. In the airport. एयरपोर्ट पे लगाया जाएगा. In every corner of the city. शहर के हर कोने में लगाया. Every marriage party I will distribute the handbill to every marriage party. और हर शादी के कार्यक्रमों में ये handbill बनाकर सब जगह बांटा. In every bazaar. हर बाजार में. In every इतवारी, बुधवारी, मंगलवारी, शुक्रवारी, हर वारी में this all the handbill will be distributed. Amen, amen, amen. Don't think daddy. पापा को ऐसे आप मत समझिए. Unless I take the whole city to Jesus. जब तक मैं पूरे शहर को यीशु के पास ना लेकर जाऊं. Unless I take the whole nation to Jesus. जब तक इस पूरे देश को मैं यीशु के पास ना पहुंचा. Unless I take the whole world to Jesus. जब तक मैं पूरी दुनिया को यीशु के पास ना पहुंचा दूं. Daddy's soul, spirit, body will not be destroyed. पापा का प्राण, आत्मा, शरीर शांत नहीं होगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा. You must understand. आपको ये बात समझना है. My dear children. मेरे प्यारे बच्चों. If you are not overflowing, I understand there's a cursed life. यदि आप उमड़ नहीं रहे, मैं समझता हूँ आपका जीवन एक श्रापित जीवन है. You must understand. आपको ये बात समझना है. The latter rain it comes. ये पिछली वर्षा आती है. You will be overflowing. आप उमड़ेंगे. In every area of life. अपने जीवन के हर क्षेत्र में आप उमड़ेंगे. But the Joel prophet says. लेकिन योएल भविष्यवक्ता कहता है. रसकुंड overflowing. रसकुंड उमड़ेंगे. What is रसकुंड? ये रसकुंड क्या है? 3 secret. 3 रहस्य. Number 1. पहला है. Number 1. पहला है. Psalm 104. भजन संहिता 104. Verse 15. उसका 15 वचन पढ़ते हैं. भजन संहिता 104 उसका 15. जल्दी से उमल उमलते जाना. और दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है, और तेल जिससे उसका मुख चमकता है, और अन्न जिससे वो संभल जाता है. There are three overflowing. यहाँ पर तीन बहाव, तीन उमड़ता हुआ जीवन है. With connected with the रसकुंड. जो रसकुंड से जुड़ा हुआ है. Number 1. पहला है joy. आनंद. That is the first overflow. और ये है पहला उमड़ना. When the heavy Holy Spirit God comes and fill you. जब पवित्र आत्मा भारी रूप से आकर आपको भर देता है.
This verse 15 is the end time prophetical anointing. और ये वचन 15 अंतिम समय का भविष्यवक्ताई अभिषेक है. रसकुंड विल उमड़ेगा. रसकुंड उमड़ेंगे. What is that रसकुंड? ये रसकुंड क्या है? Number one. पहली बात. Joy. आनंद है. Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण. Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण. The first sign of heavy revival. भारी बेदारी का बड़ा चिन्ह. Everyone will be a great joy. हर व्यक्ति बहुत आनंदित होगा. Shall we read the book of Acts? पढ़ेंगे प्रेरितों के काम. The book of Acts chapter 8. प्रेरितों के काम उसका आठवां अध्याय. What happened to the city? और उस शहर में क्या हुआ? Let us read Acts chapter 8. प्रेरितों के काम उसका आठवां अध्याय. And verse 8. वचन 8. Acts 8 and 8. Yes. प्रेरितों के काम 8:8. और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया. हालेलुया हालेलुया. उस नगर में बड़ा आनंद छाया छा गया. वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत महत्वपूर्ण है. यू मस्ट सी. मैंने आपको ये देखना है. ओवरफ्लो मींस उमड़ने का अर्थ है. द साइन ऑफ ओवरफ्लो उमड़ने का चिन्ह ये है. Everybody, everywhere you'll see the joy. कि आप हर जगह हर व्यक्ति में आनंद देखेंगे. Why most of the people in the church they are not joy? आप जानते कलीसिया में अधिकतर लोग आनंदित क्यों नहीं होते हैं? They never smile. क्योंकि वे मुस्कुराते ही नहीं हैं. मुस्कुराने के लिए भी उनको 100 रुपया देना पड़ेगा. They are under the curse. वे श्राप में हैं. Listen. बहुत ध्यान से सुनिए. I will prove scientifically in the international prophecy why many Christians are not smiling. मैं अंतरराष्ट्रीय भविष्यवक्ताई केंद्र में वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करूंगा कि क्यों लोग मुस्कुराते नहीं हैं. Through the doctor. डॉक्टर के माध्यम से प्रमाणित करूंगा. मेरे बातों को लोग मानते नहीं, इसलिए डॉक्टर को बुलाऊंगा, उनके मुंह से उल्टी करवा दूंगा. Why this man is not smiling? क्यों ये व्यक्ति मुस्कुराता नहीं है? Because He's under the curse. क्योंकि वो श्राप में है. Many Christian family then don't have a overflowing joy. कई मसीह परिवारों में उमड़ता हुआ आनंद नहीं है. Always a sorrow. हमेशा दुख. Always pain. हमेशा दर्द. Always suffering. हमेशा तकलीफ. Always negative. हमेशा नकारात्मक. I didn't understand where is their joy. मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि उनका आनंद कहाँ है. Overflowing means उमड़ने का अर्थ है. Listen, ध्यान से सुनिएगा. It's not some prayer. ये कोई प्रार्थना नहीं है. It's not some reading the Bible. ये कोई बाइबल पढ़ना नहीं है. Don't satisfy yourself that you are reading prayer and Bible and you are going to church. You don't count that one. और आप ये बोलकर अपने आप को तसल्ली मत दीजिए कि मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं संडे चर्च जाता हूँ, ऐसा मत बोलिए. See the Mumbai city. मुंबई शहर को देखिए. When the water is overflowing. जब पानी उमड़ने लगा. Everything stopped. सब रुक गया. Listen. बहुत ध्यान से सुनिएगा. It became a great overflowing. It's made jam. और जो उमड़ना है, जो बहाव है, उसके वजह से सब बंद हो गया, सब रुक गया, सब जाम हो गया. Listen. ध्यान से सुनिए. Overflowing. It's a great barrier for the devil. और जो उमड़ना है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो उमड़ना है ये शैतान के लिए एक बड़ी रुकावट है, उसके लिए एक बाधा है. वेरी इंपॉर्टेंट. और ध्यान से सुनिए. ऑल योर सॉरो. आपके सारे दुख. योर पेन. आपके सारे दर्द. योर पॉवर्टी. आपकी सारी गरीबी. विल स्टॉप. रुक जाएगी. ओनली द जॉय विल बी फ्लोइंग. केवल आनंद ही बहेगा. यू मस्ट अंडरस्टैंड. आपको ये बात समझने की आवश्यकता है. जॉय. आनंद. Kill the sickness. वो बीमारियों को मार देता है. Listen. बहुत ध्यान से सुनिएगा. Joy is the antibiotic. आनंद जो है एक antibiotics है. Joy is the antivirus. और आनंद एक antivirus है. God has promised you through the Joel prophet, I will pour my spirit upon all the flesh. Everyone will be overflowing. Amen. Joel के द्वारा परमेश्वर ने आपसे प्रतिज्ञा की है कि अंत में मैं सब पर अपना आत्मा उंडेलूंगा और आप उमड़ने लगेंगे, बहने लगेंगे. You will see in the international prophecy center. और अंतरराष्ट्रीय भविष्यवक्ता केंद्र में आप देखेंगे. 24 hours daddy will be doing. 24 घंटे पापा करते ही रहेंगे. You must understand. आपको ये बात समझना है. Only it can possible only joy. और ये
आनंद से ही हो सकता है, नॉट पैसा, पैसे से नहीं होगा, नॉट पैसा, नॉट टैलेंट से, नॉट एजुकेशन, ओनली जॉय इज देयर एंड टाइम प्रोफेटिकल अनॉइंटिंग व्हिच विल ओवरफ्लो। आमेन। ये पैसे से नहीं होगा, किसी नौकरी से नहीं होगा, किसी और गुणों से नहीं होगा, लेकिन आनंद ही एकमात्र वो साधन है जिसके वजह से जो है सब कुछ उमड़ने लगे। दैट्स रीजन बाइबल सेज, बाइबल कहती है साम 104:15 और भजन संहिता 104 और उसका 15 वचन कहता है, भजन संहिता 104 उसका 15 वचन हम पढ़ते हैं, लिखा है और दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है। दाख मधु रसकुंड, रसकुंड, रसकुंड मींस कनेक्टेड विद द जॉय। रसकुंड का मतलब वो आनंद से जुड़ा हुआ। द जॉय मस्ट कम एंड फ्लो, वो आनंद निकल कर बहना चाहिए। व्हाट इज दैट जॉय, और वो आनंद क्या है? थ्री सीक्रेट, तीन रहस्य है। जॉय हैज थ्री ओवरफ्लो, आनंद में तीन बहाव है। नंबर वन, पहला वर्शिप, आराधना है। नंबर टू, दूसरी बात प्रेयर, प्रार्थना है। नंबर थ्री, तीसरी बात वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। दिस आर द रसकुंड भैया, रसकुंड है, ये है रसकुंड, तेरा जिंदगी का रसकुंड, तेरा जिंदगी का रसकुंड आराधना, प्रार्थना और परमेश्वर का वचन। रबा संगलदा, यू विल फॉरगेट टू ईट, यू विल फॉरगेट टू अर्न द मनी, यू विल एंजॉय द वर्शिप एंड प्रेयर एंड द वर्ड ऑफ गॉड व्हिच विल परफॉर्म मिरेकल, मिरेकल हीलिंग deliver it and the whole world will get revival, they will stop everything and they will come to the international properties. Aur aap khana khana bhool jayenge, paisa kamana bhool jayenge, aap prarthna karenge, aaradhna karenge, vachan pe manan karenge, wo aanand ek aisi bedari ke roop mein undelega ki wahan changai hogi, chamatkar honge, chutkara hoga aur har vyakti antarrashtriya bhavishyavakta kendra ki aur daud kar aayega. Bolo jab aanand umlega na, खाना खाने के लिए भी भूल जाएगा, पैसा कमाना भी भूल जाएगा, हॉस्पिटल जाना भी बंद कर देगा। आमेन। That is going to happen in the city of Nagpur. यही नागपुर शहर में होने वाला। Everybody is going to resign from the job. हर व्यक्ति अपनी नौकरी को छोड़ देगा। Write down this prophecy. इस भविष्यवाणी को लिखकर रखें। Everybody is going to sell their property. हर व्यक्ति अपनी संपत्ति को बेच डालेगा। The yearly church is going to be repeated. और आदि कलीसिया में जो हुआ था वो फिर से दोहराया जाएगा। रबादाना संदराद इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से। Everybody will resign from the job. हर व्यक्ति अपनी नौकरी को छोड़ेगा। Everybody will sell out the property. हर व्यक्ति अपनी संपत्ति को बेच देगा। Everybody will turn to the three joys. हर व्यक्ति तीन आनंद की ओर पलट के आएंगे। Worship. आराधना की आनंद। Prayer. प्रार्थना का आनंद। And the word of God. परमेश्वर के वचन का आनंद। This is the only overflowing on India. यही एकमात्र बहाव है जो हिंदुस्तान में हो। From Kashmir to Kanyakumari. कश्मीर से लेके कन्याकुमारी। This joy is going to overflow. ये आनंद उमड़ने वाला है। The flowing of worship. आराधना का बहाव। The flowing of prayer. प्रार्थना का बहाव। The flowing of the word of God. परमेश्वर के वचन का। Number two. दूसरी बात। Psalm 104 भजन संहिता 104 उसका दूसरा रसकुंड है। और दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है। नंबर टू, और तेल, तेल जिससे उसका मुख चमकता है। ओ चमकने वाला। आमेन। द सेकंड ओवरफ्लोइंग, दूसरा बहाव। सभी बोलो चमक है। सब बोलेंगे चमक। दैट इज रसकुंड और तेल। और वो है रसकुंड और तेल। रसकुंड आनंद दिलाता है और तेल चमकता है। और रसकुंड आनंद दिलाते हैं, तेल चमकता है। दोनों पत्नी पत्नी है। See, रसकुंड is connected with oil. और रसकुंड तेल से जुड़ा हुआ है। You need to know. आपको ये बात जानने की आवश्यकता है। It's a life of shining. ये चमक का जीवन, चमकने। Number one, joy. पहली बात आनंद का जीवन। What is this चमक? ये चमक क्या है? It's called peace. और इसे कहते हैं शांति। Shall we read John 14:27? और हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14 का। What is this चमक? ये चमक क्या है? Very quickly. जल्दी से पढ़ते हैं। डैडी हैज टू फिनिश। यूहन्ना 14:27। जल्दी। यूहन्ना 14:27। मैं तुझे शांति दिया जाता हूँ, मैं अपना शांति तुझे देता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे तुझे नहीं देता। आमेन। दूंगा भी नहीं। नंबर टू, दूसरी बात,
What is that second overflowing? दूसरा उमड़ता हुआ जीवन या बहाव क्या है? Not to the joy. ना केवल आनंद है. The oil give you a great shining to carry on the life of peace which is overflow. तेल आपको एक बड़ी चमक देता है जिसका अर्थ है एक शांति का जीवन जिसमें आप बह सके. Peace is the end time prophetical anointing. और शांति ही अंतिम समय की भविष्यवक्ता अभिषेक को. Number one, पहली बात. Joy is the end time prophetical revival. आनंद ही अंतिम समय का भविष्यवक्ता बेदारी है. Number two, दूसरी बात. The peace of shining through the oil which is going to overflow all over India. और तेल के माध्यम से शांति की जो चमक है वही पूरी दुनिया में उमड़ने वाली है, उंडेलने जाने वाली. Three peace is going to overflow. शांति है. Number one, पहली शांति. Peace with God. परमेश्वर के साथ शांति. Number two, दूसरी बात. Peace with every man. हर मनुष्य के साथ शांति. Number three, तीसरी बात. Peace with the enemies. शत्रुओं के साथ शांति. Hallelujah. Hallelujah. India is going to see the peace of the nation. हिंदुस्तान जो एक शांति के देश को देखने वाला. Let me prophesy. मुझे भविष्यवाणी करने. India is the only country which is going to declare nation of peace. Amen. हिंदुस्तान एकमात्र देश होगा जिसे एक शांति का देश घोषित किया जाए. Let me prophesy. मुझे भविष्यवाणी करने दीजिए. Let me prophesy. मुझे ये भविष्यवाणी करने दीजिए. No more enemies for India. हिंदुस्तान का अब कोई शत्रु नहीं होगा. रबा ताका सगल अधीनमा रिक. Everybody will accept Jesus. हर व्यक्ति यीशु मसीह को स्वीकार करेगा. When Jesus comes. जब यीशु आएगा. शांति आएगी. When peace comes, जब शांति आएगी. God, परमेश्वर, man, मनुष्य, enemies, शत्रु, everybody will live together. हर व्यक्ति साथ में मिलकर. Let me prophesy. मुझे ये भविष्यवाणी करने. Our nation will not see the criminal. हमारा देश अपराधियों को नहीं देखेगा. No more criminal. अब कोई अपराधी देश में नहीं. No more court कचहरी. कोई court कचहरी नहीं चलेगी. No more enemies in our nation. शत्रु हमारे देश में नहीं. Let me prophesy. मुझे ये भविष्यवाणी करने. That is a overflowing. वही उमड़ता हुआ. Peace will overflow. शांति उमड़ेगी. Overflow. और उमड़ेगी. Every village. हर गांव. Every तालुका. हर तालुका. Every district. हर जिला. Let me prophesy. End time prophetical anointing, not only joy will overflow, the peace will be overflow. अंतिम समय के भविष्यवक्ताई अभिषेक में ना केवल आनंद उमड़ेगा, दूसरी बात शांति उमड़ेगी. Peace of God. परमेश्वर की शांति. Everyone will have the peace with God. हर व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के साथ शांति होगी. Everybody will have peace with every man. हर व्यक्ति हर मनुष्य के साथ शांति से रहेगा. No more religion. अब कोई धर्म नहीं होगा. Listen. बहुत ध्यान से सुनो. No more religion. कोई धर्म नहीं होगा. No more जाति. कोई जाति नहीं होगी. No more नीचा ऊंचा चौचा. कोई ऊंचा और कोई नीचा और कोई दूजा नहीं होगा. नो मोर डिफरेंस. कोई अंतर कोई फर्क नहीं होगा. आवर नेशन इज गोइंग टू टीच द होल वर्ल्ड. क्योंकि हमारा देश पूरी दुनिया को सिखा. वी ऑल विल से. हम सब कहेंगे. वी आर ऑल आर वन इन क्राइस्ट. सब मसीह में एक है. हालेलुया. हालेलुया. द पीस गोइंग टू सी आवर नेशन. वो शांति हमारी देश देखने वाला है. नंबर थर्ड पीस. तीसरी शांति. नो मोर एनिमीज. और कोई शत्रु नहीं होंगे. Peace with the enemies. शत्रुओं के साथ शांति. Our nation is going to have peace with all the nations. हमारा देश सब देशों के साथ शांति में रहेगा. Let me promise you. मुझे ये भविष्यवाणी करनी. No single nation will available that they are enemy with India. एक भी देश ऐसा नहीं होगा और जो हिंदुस्तान के साथ मित्र होगा जो दुश्मन बनकर नहीं रहेगा. No more enemies. और कोई शत्रु नहीं होगा. When this peace comes. जब ये शांति आएगी. That is a overflowing. और वो उमड़ेगा. In every family. हर परिवार में. You will see the peace. आप शांति को देखेंगे. Especially in the international prophecy center. विशेष करके अंतर्राष्ट्रीय भविष्यवक्ताई केंद्र. Many many all over the world. पूरी दुनिया से कई लोग. They will come for the peace. वे शांति के लिए आएंगे. They will take the peace. शांति को लेंगे. They will go back with the peace. और शांति के साथ चले जाएंगे. Hallelujah. Hallelujah. What is the overflowing? और उमड़ना क्या है? Joy will be overflowing. आनंद उमड़ेगा. Number two. दूसरी बात. Peace will be overflowing. शांति उमड़ेगी. Another रसकुंडे. तीसरा रसकुंडे. और दाक मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है. और तेल जिससे उसका मुख चमकता है. चमकता है. और अन्न. अन्न जिससे वो संभल जाता है. हालेलुया. हालेलुया. क्या जाता है? संभल जाता है. संभल मीन्स संभलना. इन तमिल इट सेज इन डिफरेंट वे. शैल वी रीड इन इंग्लिश. इंग्लिश में पढ़ते हैं. द थर्ड सीक्रेट. तीसरा रहस्य हम देखेंगे. यस. ओवरफ्लोइंग. And wine that makes glad the heart of man. Oil to make his face shine. And bread which strengthens man's heart. Strengthens. बलवंत हो जाता है. Third overflowing. तीसरा उमड़ना. Not only joy. ना केवल आनंद होगा. Not only peace. ना केवल शांति होगी. Number three. तीसरी बात. Happiness. खुशियाँ होगी. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The happiness of peace.
three things. तीन बातों की खुशियां होगी. Let me prophesy. मुझे भविष्यवाणी करने Let me prophesy. मुझे भविष्यवाणी करने Let me prophesy. मुझे भविष्यवाणी करने Three happiness. तीन खुशियां होगी. Number one. पहली. Happiness of health. स्वस्थ की खुशियां. Number two. दूसरी बात. Happiness of wealth. धन संपत्ति की खुशियां. Number three. तीसरी बात. Happiness of the growth. और बढ़ोतरी या उन्नति की खुशियां. That is our food. यही हमारा भोजन है. That is our अन्न. यही हमारा अन्न. That is our overflowing. यही हमारा उमड़ना. Everyone is going to overflow with the happiness of good health, good wealth, or good growth. That is the a great strength of our nation. हर एक व्यक्ति जो है बड़े स्वास्थ्य की खुशी से, बड़ी धन संपत्ति की खुशी से और बड़ी उन्नति की खुशी से वो उमड़ने लगेगा. वही है तीसरा रहस्य, बलवंत हो जाना अर्थात संभल जाना. That is a third secret. यह है तीसरा रहस्य. When the heavy rain comes, जब भारी वर्षा होगी, everybody will become resistant. संभल जाएगा, बलवंत हो जाएगा. What is that strength? वो संभलना, वो बलवंत होना क्या है? Happiness. खुशियां है. Happiness is a strength. खुशियां ही संभल जाना है. Happy is a greatest strength. और खुशी ही सबसे बड़ा बल है. Man has lost. मनुष्य ने उसे खो दिया है. Man has lost the happiness. मनुष्य ने अपनी खुशियों को खो दिया. But God is going to send through the रसकुंड. परमेश्वर रसकुंड के माध्यम से खुशियों को भेजेगा, जिसका हेवी रेन, एक भारी वर्षा. हे हेवी रेन, भारी वर्षा. व्हेन द हेवी रेन कम्स, भारी वर्षा आएगी. यू विल बी ओवरफ्लोइंग विद द हैप्पीनेस, खुशियों से उमड़ने लगेंगे. द जॉय, आनंद. एंड द पीस, शांति. एंड हैप्पीनेस, और खुशियां. जॉय ऑफ द जीसस, और यीशु का आनंद. द पीस ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की शांति. एंड द हैप्पीनेस ऑफ द फादर गॉड, और पिता परमेश्वर की खुशियां. हालेलुया, हालेलुया. जीसस विल ब्रिंग द जॉय, यीशु आपके लिए आनंद को लेकर आएगा. एंड द होली स्पिरिट गॉड विल ब्रिंग द पीस, पवित्र आत्मा परमेश्वर शांति को लेकर. फादर गॉड विल ब्रिंग द हैप्पीनेस, पिता परमेश्वर खुशियों को लेकर. ओवरफ्लोइंग, उमड़ना है. ओवरफ्लोइंग विद द जॉय, आनंद के साथ. ओवरफ्लोइंग विद द पीस, उमड़ना है शांति के साथ. ओवरफ्लोइंग विद द हैप्पीनेस, उमड़ना है खुशियों के साथ. जॉय इन द सोल, आनंद आपके प्राण. पीस इन द स्पिरिट, शांति आपकी आत्मा. हैप्पीनेस इन द बॉडी, खुशियां आपके शरीर. सब अपनी आंखों को परमेश्वर से कहिए, लॉर्ड आई वांट टू ओवरफ्लो. प्रभु मैं उमड़ना चाहता हूं. आई वांट टू ओवरफ्लो. प्रभु मैं उमड़ना चाहता हूं. ओवरफ्लो, मैं उमड़ना चाहता हूं. ओवरफ्लो, मैं उमड़ना चाहता हूं. विद योर स्पिरिट, तेरी आत्मा के साथ. विद जीसस, यीशु के साथ. विद द वर्ड ऑफ गॉड, यीशु के वचन में. व्हिच विल ब्रिंग द जॉय, पीस, हैप्पीनेस, जो आनंद, शांति और खुशियों को. सब अपनी आंखों को बंद करें. शबल दीनम पातल खर दीनम संदल अधिकारदा रबदल खर दीनम संदल अधिकारबु. Everybody get ready. हर व्यक्ति तैयार. For two minutes. दो मिनट के लिए. We are going to overflow. हम उमड़ने जा रहे हैं. Oh, with the joy. आनंद के साथ. With the peace. शांति के साथ. With the happiness. खुशियों के साथ. Overflow. उमड़ने जा रहे हैं. रसकुंड उमड़ने वाला है. रसकुंड उमड़ने जा रहा है. Oh, रसकुंड उमड़ने वाला है. Amen. Hallelujah. आनंद का रसकुंड, शांति का रसकुंड, खुशियों का रसकुंड उमड़ने वाला है. शबल बुर दीनम पातल खर दीनम जिंगल दीनमी पातल खर दीनम लखा बाताल खर दी. एवरीबडी क्लोज योर आईज. सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे. उतरा उतरा हे रूह पाक, उतरा 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 हे रूह पाक, उतरा 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 उतरा. सभी तालियां. आमेन. आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको. गीत नया दिल मेरा, गीत नया दिल मेरा. उतरा 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 हे रुका उतरा
रोग आ मेरे दिल के अंदर, पाक रोग आ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा, उतरा 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 हे रूपा उतरा, भरने दीजिए आनंद से, शांति से, खुशियों से, पवित्र आत्मा के द्वारा। शबल बल बुरु दिल बल बुरु दिल बल बुरु आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मिला, गीत नया दिल मिला, उतरा 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 हे रूपा उतरा, उतरा 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 हे रूपा उतरा, उतरा 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 हालेलुया, स्वर्गीय पिता। What a wonderful revelation. सच में कितना अद्भुत प्रकाशन। Joy is the overflowing. आनंद ही वो उमड़ना है। Peace is the overflowing. शांति ही उमड़ना है। Happiness is the overflowing. खुशियाँ ही उमड़ना है। Which come through Jesus. जो यीशु के द्वारा आता Which है। Which come through the Holy Spirit. जो पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा आता Which है। Which comes through the Father God. जो पिता परमेश्वर के द्वारा आता Lord, है। Lord, thank you for my children. प्रभु मेरे प्यारे बच्चों के लिए। We pray for once again. फिर से एक और बार हम प्रार्थना करते हैं। When the heavy rain comes. कि जब भारी वर्षा होती है। Not only it's filled one. ना केवल वो भर जाए। But it's overflowing. परंतु वो उमड़ने लगे। Pray for all of our church. हमारे सारी कलीसिया के The school of prophets. भविष्यवक्ताओं के The city of Nagpur. नागपुर शहर। The whole nation. पूरे देश is to overflow in Jesus name. यीशु के नाम से वो उमड़ने लगे। Not the pain or sorrow or suffering or sickness. प्रभु दर्द दुख तकलीफ परेशानी बीमारियां नहीं। But the joy, peace, happiness to overflow. लेकिन आनंद शांति खुशियां उमड़ते रहने। Today evening meeting. आज की शाम की सभा। Let the joy, peace, happiness to overflow. आनंद शांति और खुशियां बहें। Even tomorrow meeting. कल की सभा में मॉर्निंग एंड इवनिंग सुबह और शाम संडे सर्विस रविवार की रात टिल द लास्ट डे ऑफ द स्कूल ऑफ भविष्यवक्ताओं के विद्यालय के आखिर इन द इंटरनेशनल प्रॉपर्टी सेंटर अंतरराष्ट्रीय भविष्यवक्ता केंद्र में ओह थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद प्रभु जी लेट यूर रिवर कैन ओवरफ्लो आपकी नदी उमड़ते रहे जॉय ऑफ रिवर फ्लो ओ प्रभु आपके आनंद की नदी उमड़ते रहे पीस मस्ट ओवरफ्लो शांति उमड़ते रहे द हैप्पीनेस टू ओवरफ्लो खुशियां उमड़ते रहे लॉर्ड ब्लेस ऑल माय चिल्ड्रन प्रभु मेरे सारे बच्चों को आशीष दीजिए ब्लेस अस टुडे इवनिंग आवर डॉटर प्रीति कंडारे हु इज गोइंग टू ब्रिंग ए ग्रेट प्रोफेटिकल मैसेज आज की शाम आपकी दासी प्रोफेटेस प्रीति कंडारे को भी आशीषित करे एक भविष्यवक्ता संदेश ब्लेस एवरीवन हर एक को आशीष दीजिए इन जीसस नेम वी प्रे यीशु के नाम से प्रार्थना एवरीबॉडी से आमीन सब कहेंगे आमीन 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 इस समय पर पिता परमेश्वर का प्रेम पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा परमेश्वर के सौभाग्य था हम सबों के साथ प्रभु के आगमन तक के निरंतर होती रहे आमीन 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 बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय
Thank you very much for joining. बहुत बहुत धन्यवाद कहा हमारे साथ जुड़ने के लिए. Please do not forget. बिल्कुल मत भूलिएगा. Evening our prophetess प्रीति खंडारे. शाम को प्रोफेटर्स प्रीति खंडारे हमारे साथ रहेंगी. ये माइटी प्रोफेटर्स परमेश्वर की सामर्थ्य दासी हैं. एंड शी कम्स विद द फास्टिंग एंड प्रेइंग विद अ ग्रेट हीलिंग पावर प्रोफेटिकल अनॉइंटिंग. प्लीज जॉइन विद अस 7 o'clock. और वे बड़ी उपवास और प्रार्थना के साथ एक भविष्यवक्ता अभिषेक के साथ हमारे साथ आने वाली है. इसलिए हमारे बीच में आने वाली है. इसलिए आप जरूर शाम को 7 बजे जुड़िएगा. गॉड ब्लेस यू. प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे. द इवनिंग लिंक इज डिफरेंट. शाम के समय का लिंक अलग है. स्कूल ऑफ प्रोफेट्स लिंक भविष्यवक्ताओं के विद्यालय का लिंक. डोंट यूज दिस चर्च लिंक. कलीसिया के लिंक का इस्तेमाल मत करिएगा. फॉर द इवनिंग स्कूल ऑफ प्रॉपर्ट एज वी आर सेंडिंग एवरी डे दैट लिंक मस्ट बी यूज्ड. शाम को भविष्यवक्ताओं के विद्यालय का जो लिंक आपको हमेशा भेजा जाता है उसी लिंक का इस्तेमाल करें. शेयर विद मेनी पीपल. कई लोगों के साथ जरूर शेयर करें. गॉड ब्लेस यू. आपको बहुत थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. रिकॉर्डिंग स्टॉप.